नजर बुरी नजर इधर उधर की नजर किसी भूत पे तकाया सब कुछ ठीक हो जाए। अरे माँ देखा अंदर आने वाली बुरी नजर वहीं पे रुक गई। उधर जो पुतला फटा ना उस पुतले के साथ आप भी मरने वाले थे। अच्छा हुआ भगवान ने आपको बचा लिया। वो देखिए भाई साहब आ गए। आइए आइए। डैड डैड आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? इनको कुछ भी नहीं हुआ, पेपर भी छप गया है। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, देख देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मैं यहाँ का सबसे बड़ा लीडर हूँ, अन्ना जय प्रकाश। अभी मैं यहाँ का मंत्री हूँ। आपको पता है 25 साल पहले इनकी लाइफ कैसे शुरू हुई थी? मैं ट्रक का ड्राइवर था और इन हाथों से स्टेयरिंग पकड़कर मैंने कितनों को उड़ा दिया। मसीटसन। तू पढ़ाई लिखाई करके क्रिमिनल लॉयर बना और मैं बिना पढ़ाई के क्रिमिनल बना। वहाँ मुझे कोई मारने नहीं आया था क्योंकि मुझे बचाने के लिए वहाँ एसीपी आया था ना, मारा गया। वो मुझे परेशान कर रहा था, उसी को मारने के लिए तो प्लान बनाया था, इसलिए मैंने उसको मरवा दिया। ये सुनकर तुम्हें झटका लगा क्या? इस वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इतने फेमस वकील, काफी नाम है तुम्हारा, इतने हट्टे कट्टे इंसान। तुम्हारे रहते हुए मुझे क्या हो सकता है। तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो। जाओ। ठीक है, लेकर वो मेरे साथ। बहुत अच्छा वकील है। आओ आओ डीसीपी आओ। सर यहाँ कैसे आना हुआ? आपकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है सर। जो मुझे मारने आया था उसको तो मार दिया ना, अब क्या है? जो मारा गया वो अकेला नहीं था, वो दो थे जो आपको जान से मार देना चाहते थे। मारे गए गुंडे के ठीक पीछे एक बिल्डिंग में दूसरा गुंडा था, खतरनाक हथियार के साथ। तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो? तुम लोग क्या वर्दी दिखाने के लिए पहनते हो? किसी काम के नहीं हो। फोन आ रहा है, उठाकर बात करो। हाँ बोलिए। कौन सा स्टेशन? हाँ ठीक है आता हूँ मैं। सर मुजरिम को अरेस्ट कर लिया गया। अरे जा जा जल्दी, देख उसको। सैल्यूट ओके ड्यूटी बाय। सर गुड मॉर्निंग सर। कुछ बताया उसने? उसने जो बताया हमारी समझ में नहीं आया। तो सर्च किया क्या? सर्च किया सर, उसके पास ये सब मिला है और इस पोस्टर पे वो सो रहा था सर। मुझे मत मारो, मत मारो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। फायरिंग में जो मारा गया उसे तू जानता है, और मिनिस्टर को मारने की कोशिश क्यों कर रहा था? कौन है तू? तेरा गांव कौन सा है? मुझे कुछ नहीं पता। छोड़ दो इसको तुम लोग। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? इसको कहां से पकड़ा आपने? सिटी के बाहर बाईपास रोड पे सर। क्या उसे हिंदी आती है सर? वो एक्टिंग कर रहा है। वो उसकी भाषा उर्दू है। वो उत्तर से पश्चिम में पहाड़ तोड़ने के काम के कॉन्ट्रैक्ट में आया है। उसके पास जो जेनेटिक स्टिक मिलते हैं तुमने उसे अंदर डाल दिया। पुलिस वालों का काम होता है किसी की बॉडी लैंग्वेज को रीड करने का। उसे हम पकड़ने गए तो वो भागने की कोशिश कर रहा था सर। डोंट टॉक नॉनसेंस। पहाड़ से जो हथियार मिले वो मामूली नहीं, AK-40 और 47 है, जो पुलिस के पास भी नहीं है, ना ही मिलिट्री वालों के पास है। दिन दहाड़े पब्लिक के सामने मंत्री को टारगेट करके जो मारने वाला था, उसका मकसद पैसा था या उसका कोई और एम भी था, ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन है और कहां पे है इस वक्त। नारायणन नारायणन नारायणन। नमस्ते सर, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। यस प्रोसीड। आपका नाम? एमडी नारायण।
अगर नारायण आपका नाम है तो एमडी का मतलब क्या है? जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे एमडी नारायण कह के बुलाते हैं। आप क्या काम करते हैं? मेरे बहुत सारे धंधे हैं, 7 ट्रक चलते हैं, 50 ऑटो चलते हैं और 40 कॉल टैक्सियां भी चलती है। फाइनेंस बिजनेस भी है। फाइनेंस के साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस है क्या? नहीं, मैं ये बिजनेस नहीं करता। आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, ये बोलकर आपने इस बूढ़ी माँ से 15 लाख रुपए लिए है ना? ये सब गलत है, ये जो बोल रही है गलत बोल रही है। 15 लाख रुपया तो बहुत बड़ा अमाउंट है, अगर मैं कमीना इंसान होता तो इतना बड़ा आदमी बनता क्या? अरे पापी, मैं माँ जी को बहुत सालों से पहचानता हूँ, इनके पति मेरे पिता के समान है, भला मैं इन लोगों को कैसे धोखा दे सकता हूँ? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। मेरे क्लाइंट पर जो भी आरोप लगाए हैं उनका कोई सबूत नहीं है। माँ जी का कहना है कि उन्होंने मेरे क्लाइंट को पैसे दिए, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है। जब इसने हमसे पैसा लिया था तब बोला सुबह ऑफिस में आकर रसीद ले जाना। फिर आपने रिसीट ली? उसके बाद तो ये कहीं नजर ही नहीं आया। बुढ़िया तो बहुत समझदारी से बात कर रही है। योर ऑनर, ये माँ जी कौन सा इंसेंटिव लेकर यहाँ आई है मुझे पता नहीं चल रहा, और मिस्टर नारायण के बिजनेस राइवल्स जो है शायद उन्होंने इस माँ जी को भड़काया है। 25 से भी ज्यादा बिजनेसेस करने वाला मेरा क्लाइंट समाज में एक अच्छा और इज्जतदार आदमी है, इस तरह के छोटे से केस में इनके इन्वॉल्वमेंट पर बच्चा भी यकीन नहीं करेगा, और इसलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि ये केस रिजेक्ट किया जाए। योर ऑनर, दी ऑल द एविडेंसेस एंड विटनेसेस, इस केस को 6 तारीख के लिए पोस्टपोन किया जाता है। अरे ये घर आने का टाइम है क्या? वो भी अपने ही घर का दीवार कूद कर अंदर आती है। क्यों करती हो ऐसा बेटी? अरे डांटो ना, आपकी लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ गई है, कभी कभी डांटा भी कीजिए। मम्मी, घर की दीवार फांद कर आने के लिए दम होना चाहिए। एक थप्पड़ मारूंगी, रोज रोज घर लेट आती है, कभी भी टाइम पर घर आती है तो रॉकेट चलाने का जमाना आ गया है पापा। हाँ, तो उससे बातों में कोई जीत नहीं सकता, जैसा बाप वैसी बेटी। तू बहुत एक्टिव और स्पीडी है, इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर स्पीड में ही प्रॉब्लम आती है, हमेशा याद रखना बेटी। मैं अपनी लिमिट जानती हूँ पापा। तू 12 बजे आती है और तेरे पिताजी को 12 बजे के बाद फोन आते हैं। ये लीजिए फोन। कौन आए कौन जाए मुझे क्या? हेलो, हु इज दैट? हेलो अंकल, संध्या है, उसे फोन दीजिए ना। क्या बेटी, तेरी फ्रेंड इतनी रात को फोन करती है मेरे फोन पे? हेलो, क्या कर रही है यार? हाँ बोल। फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे मोबाइल साइलेंट पर था। कल कितने बजे आना है बताओ? 11 o'clock। कहाँ? वहीं अपने स्पॉट। कल उस कमीने लड़के को ना अच्छा सबक सिखाएंगे हम, कल मिलकर डिसाइड करते हैं। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। अजय सुनिए, वो कह रही है मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। जब देखो तब टीवी के सामने बैठे रहते हैं। अगर स्कूल नहीं जाना चाहते तो मत जाना दो, कामराजन स्कूल जाकर सीएम थोड़ी बना था। आप उसे स्कूल जाने से मना कर रहे हैं और आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? हर काम मेरे भाई को करना पड़ता है। ये स्कूल नहीं जा रही, देखो ना क्या प्रॉब्लम है। हाँ आता हूँ। तू अभी तक स्कूल जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुई? मामा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैंने होमवर्क नहीं किया है। होमवर्क क्यों नहीं किया? रात को मुझे नींद आ गई थी तो मैं सो गई। श्रुति, तुम मुझसे अगर बोलती तो मैं कर देता ना। ये कौन सी क्लास में पढ़ती है और कितने सब्जेक्ट है, कौन सा रैंक लाती है पता नहीं, तो आप इसका होमवर्क क्या कराएंगे? मेरी क्लास में मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है ये भी पूछो ना मम्मी, मार खाएगी बदतमीज। चल पहले यूनिफॉर्म पहन ले। मामा, इस पर चिल्लाओ मत। सुन बेटा, स्कूल से आने के बाद हम दोनों मिलकर तेरा होमवर्क पूरा कर देंगे। मेरी प्यारी बेटी, अब हम यूनिफॉर्म पहनेंगे और दोनों मिलकर तुम्हारे स्कूल जाएंगे, ठीक है ना मेरी प्यारी गुड़िया? चलो। आपने परेशान कर रखा है, रिमोट दीजिए। कोई काम धंधा तो है नहीं, जाइए श्रुति का पूरा रूम पेंट कर दीजिए। हाँ, जब भी मैं खुश होता हूँ कोई ना कोई काम पकड़ा देती है। तुमने नाश्ता कर लिया? हाँ, वो सब हो जाएगा। ये घर के सामान की लिस्ट है। हाँ, दुकानदार को दे देना। मैं दे दूंगा, तुम फिक्र मत करो, अभी टाइम हो रहा है, हमें स्कूल पहुँचने के लिए देर हो जाएगी। अच्छा बेटा, बाय। ए, रुक 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 रुक, सिग्नल किस लिए होता है पता है आपको? इसे अनदेखा करके आगे बढ़ोगे तो कैसे होगा? हमें जाने दीजिए ना। इतने का जरूरी काम है? आरसी बुक है? हाँ है। लाइसेंस है? हाँ वो भी है। इंश्योरेंस है? हाँ है बाबा। तो दिखाओ। वो सब तो घर पर है सर। ये सब घर पर रखकर तुम रोड पे गाड़ी चला रही हो? उन सब चीजों को संभाल कर रखना होता है ना। इसका मतलब तुम्हें सेफ्टी नहीं चाहिए? अच्छा अच्छा ठीक है,
जाने देता हूँ, तुम तीन लोगों 300 रुपए दे दो। तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। सर सर वहाँ देखिए ना, वो आदमी बिना हेलमेट के जा रहा है। कानून सबके लिए एक ही है। ए रुक रहे रुक, चल साइड में ले, साइड में ले, चल रुक। सिग्नल तो ग्रीन है, वो सब तो ठीक है, हेलमेट किधर है? वो मैं बच्ची को स्कूल छोड़ने गया था, चक्कर में भूल गया। कानून कानून है, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या सर क्या अपने आप को पता नहीं? तुम सब लोगों ने पुलिस वालों को पागल समझ रखा है क्या? सर हमें लेट हो रहा है, चाबी दे दीजिए ना। नहीं मिलेगी चाबी, 300 रुपए निकालो, निकल जाओ। मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे चाबी दे दीजिए, मुझे कोर्ट जाना है। कोर्ट? कौन सा कोर्ट? टेनिस कोर्ट? सर हाई कोर्ट सर, ये नंबर प्लेट देखिए। तो लॉयर हो तुम, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं मिलेगा। कानून जानते हुए भी आप कानून तोड़ रहे हो सर, अगली बार हेलमेट पहन लेना। सर ये सब क्या चल रहा है? उसके लिए अलग रूल, मतलब क्या हुआ? और हमारे लिए अलग रूल? हाँ सर। सर मेरी चाबी दे दीजिए प्लीज। सुनिए सर आप इनको बोलिए ना। सर देखने में तो स्टूडेंट लग रही है, इस बार माफ कर दीजिए। भाई आप इनके बीच में मत बोलिए, कोर्ट में जाकर अपना केस देखिए, इनका केस मुझे हैंडल करने दीजिए। चलो निकालो 300। अरे निकालो भाई। सर जल्दबाजी में पर्स में पैसे है या नहीं मैंने देखे ही नहीं, आप ये बैंगल रख लीजिए, कल मैं पैसे देकर आपसे छुड़ा लूंगी। सर के साथ इस तरह से बात कर रही हो? मैंने कोई मारवाड़ी की दुकान नहीं खोली है। देखो भाई आप भी देखो जरा। देखने में ये लड़की मुझे तो बहुत भोली भाली लग रही है, पहली बार है तो माफ कर दो ना इसे। देखो ये डील मुझे अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन कल आप पैसा लेकर आओगे ना? हाँ, दे दूंगी। दे दो चूड़ी। चल चल बैठ जा। यू आर वेरी स्वीट सर। सर अब क्या है? एक स्मॉल हेल्प चाहिए। क्या हेल्प चाहिए? मेरी गाड़ी में ना पेट्रोल डलवाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है, आप मुझे 300 रुपए दे दीजिए, मैं कल आकर वापस कर दूंगी। हमारा काम है तुमसे पैसा लेना, तुम उल्टा ही बोल रही हो, किसने सिखाया है सब तुम्हें? सर आप ही देख लीजिए इन लोगों को। हाँ गलत तो है लॉयर सर, सर आप इनको बोलिए ना। सर मेरे पास भी पैसे नहीं है और इन लोगों की गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, अगर आपके पास पैसे है तो दे दीजिए ना। क्या है ना सर, सामने वाली लड़की अगर दिखने में खूबसूरत हो ना तो कोई भी लड़का हेल्प के लिए आ ही जाता है। क्या करे सर, साले पनौती है। अभी अभी मैंने वसूली की थी, लेकिन अब आप लोग मुझसे वसूली कर रहे हो, मेरी मेहनत की कमाई आपको दे रहा हूँ, ले लो। अब तो खुश हो गए ना सर? हाँ सर। सर अब क्या है? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे बाप रे नकली चूड़ी, हरामी कहीं का मुझे बेवकूफ बनाकर चला गया। अरे दिमाग खराब हो गया, ये सेक्रेटरी लोग इतना लिख के दे देते हैं, उसको पढ़ पढ़ के तो मेरी जान ही निकल जाती है। मुझे सबसे पहले उन लोगों को ही काम से निकल देना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने बुलाया सर? मैं अब तक सभी के लिए विलन था, लेकिन अभी मेरे लिए कोई विलन आ गया है, लेकिन अभी तक तुम लोगों ने उसे फाइंड आउट नहीं किया। मेले में मिले हुए खिलौने और बंदूक को रखकर तुम लोग नाटक कर रहे हो। वो कोई खिलौने वाला बंदूक नहीं, AK-47 विदेशी गन है। हम लोग उस मुजरिम को ढूंढ रहे हैं सर, बहुत जल्द हम पकड़ लेंगे उसे। कैसे? TADA ब्रोकेसी ये सब सब गवर्नमेंट का है, तुम लोग सिर्फ सिंपली सिटिंग मंथली गेटिंग, इन सब चीजों में तुम लोग बराबर रहते हो, लेकिन काम धंधे में बिल्कुल बराबर नहीं हो। क्या है रे? मसाला वड़ा है क्या सर? मसाला वड़ा। मसाला वड़ा को अच्छी तरह सूंघ लेते हो और मुजरिम को हमेशा छोड़ देते हो, ऐसा होते रहा तो कैसे चलेगा? आज मैंने अपनी स्कूटी सर्विसिंग के लिए दी हुई है और यहाँ तो एक बस भी नहीं आ रही है। और नहीं तो क्या, हमारा कोचिंग क्लास बसंत नगर में है और बसंत नगर यहाँ से कितनी दूर है ना? कोचिंग क्लास अगर तेरे बाजू में भी होगा ना तो भी तुझे दूर ही लगने वाला है। हाय। You want lift? Yes sir, urgently बसंत नगर जाना है, we have volleyball coaching sir. No problem. Come on, get in. Thank you so much sir. अगर आपने हमें लिफ्ट नहीं दी होती ना तो हम लोग वॉलीबॉल कोचिंग मिस कर देते। By the way, I'm संध्या, ये गीता और ये दिव्या। Hi. Hi. Great sir, आप तो गाड़ी बहुत अच्छे चला लेते हैं। वाह सर, आप तो बहुत स्टाइलिश है, गाड़ी बिना हाथ से ही चला सकते हैं। क्यों सर, इससे पहले हवाई जहाज चलाते थे क्या? हाँ सर बताइए ना। क्या आप स्माइल ही करते रहेंगे? अरे कुछ तो बताइए, एटलीस्ट अपना नाम ही बता दीजिए। आई एम अभिषेक। वाओ नाइस नेम सर, कैन आई कॉल यू अभी? अभी क्या आप स्माइल ही करते रहेंगे, बात क्यों नहीं कर रहे? कितनी अच्छी स्माइल है आपकी, स्माइल 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 स्माइल। अभी अभी आपकी शादी नहीं हुई क्या? क्यों,
इनसे शादी करनी है तुझे? मैं क्यों करूँ भला? माई गॉड, अभी भी स्माइल कर रहे हैं ये, अभी कुछ तो बात कीजिए ना। बात करता हूँ मौका मिलने पर। ये अभी आप स्ट्रेट जा रहे हैं? मैं करेक्ट ही जा रहा हूँ। अरे नहीं, हम लोगों को लेफ्ट में जाना है। चुप। हेलो, अरे कोई है अंदर? गेट खोलो। आप कौन है? अंदर ओनर है। क्या? ओनर, कोर्ट से नोटिस लाया हूँ मैं। अरे ओनर, ओनर इधर कोई नहीं है, चलो जाओ जाओ। ए, कोर्ट का नोटिस है? क्या कर रहा है? यार लोग हैं, कोर्ट की भी इज्जत नहीं रखते। सुन, यहाँ पे नोटिस लगा चुका हूँ, ओनर है तो उसे पढ़ने बोल देना। नहीं बोला ना इधर कोई नहीं है। मुझे मेरी भाषा समझ में नहीं आती। नहीं आती। कहाँ जा रहे हो आप? सुना मेरी बात, पढ़ाई लिखाई के साथ मौज मस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। मौज मस्ती एक तरफ, लेकिन अपनी जिंदगी एक तरफ। अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचता तो? चलो अब जाओ। क्या हुआ? ऑटो के लिए पैसे नहीं है क्या? पता था, उस दिन पेट्रोल के लिए पुलिस वाले से पैसे लिए, आज मेरे से ले रही है। ये लो। इडियट,
तेरी वजह से मेरा एक संडे बर्बाद हो गया। सॉरी सर, अच्छी तरह प्लानिंग करके उस लड़के को लेके आए थे, लेकिन एक आदमी बीच में आकर सारा प्लान चौपट कर दिया। अगर आप चाहें तो मैं एयर होस्टेस से बात करके देखूं क्या? एक बार यूज किए हुए ग्लास को दोबारा यूज नहीं करता मैं, ये तुझे पता ना। हेलो सर, आपसे एक लड़की मिलने आई है। कौन है रे वो? कॉलेज में एडमिशन के लिए आई है सर। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। सर वो कॉलेज में एडमिशन के लिए आई है सर। नहीं रहेगी तो तू भी नहीं रहेगा, चल जा। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम बसंती है। आपके मैनेजर भास्कर साहब ने आपसे मिलने भेजा है। कहाँ तक पढ़ी हो? प्लस टू सर। अगर आप सिफारिश करें तो मुझे स्पोर्ट्स के कोर्ट में एडमिशन मिल जाएगा सर। जरूर मिल जाएगा। तुम स्पोर्ट्स में क्या क्या गेम खेलती हो? 100 मील रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हॉकी, ये सब मैं अच्छे से खेलती हूँ सर। वॉलीबॉल खेलती हो? बास्केटबॉल भी खेलती हूँ सर। आप मेरे सर्टिफिकेट देख लीजिए। स्कूल में जो खेलती हूँ उसे छोड़ दो, मेरे साथ एक गेम खेलोगी क्या? डरो मत, यहाँ कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। नहीं सर, मैं चाहती हूँ। तू चली गई गेम में, कल आपकी तारीख है? ठीक है सर। ये दिव्या, तुझे पक्का पता है ना उसका नाम वेदू है? पता है, हाई कोर्ट में लॉयर है। ए संध्या, आज किसी भी तरह उससे बात करके उससे 200 रुपए और ले लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ए, हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि उसके ऑटो के पैसे वापस कर सके। हम लोग कभी पैसा वापस करते हैं क्या? मुझे नहीं लगता तू उसे पैसे देने आई है, लगता है तू उसे देखने आई है। ए ज्यादा पटर पटर मत कर, हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं जिससे कि उसका पैसा वापस करके यहाँ से निकल जाए, और तू ना अपना दिमाग कम चलाया कर। अरे भाई कल देखा मेरा आर्गुमेंट सुनकर जज पूरी तरह से हिल गया था। हाँ हाँ बिल्कुल हिल गया था जज यार। ऐसा तू से मिलने आई है। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। मुझे लॉयर वेलू से मिलना है। लॉयर वेलू? उसने कुछ पैसे लिए हैं क्या? नहीं नहीं, हमने लिए थे। पैसा उसको मत देना, आज वो आने वाला था लेकिन भाग गया, वो एक नंबर का चीटर था वो। हाँ। आप लॉयर वेलू की बात कर रहे हैं या किसी और की? अरे बाबा 10 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, वेलू तो है लेकिन लॉयर वेलू कोई नहीं है। लगता है आप लोगों को किसी ने बेवकूफ बनाया है। क्या कह रहे हैं सर? ए संध्या वहाँ देख। हाँ, हाँ, तू तो कह रही थी कि वो लॉयर है, ये तो संतरी है। अरे वो लॉयर नहीं है, वो तो संतरी है, संतरी। नो, केस फाइल हो चुका है लेकिन इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। आप इतनी बड़ी लॉयर हैं और आप एक छोटा सा केस लड़ रही हैं, ऐसा क्यों? ये कोई छोटा केस है क्या? वो लड़की कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी और उस VIP ने उसे कागज का टुकड़ा समझकर फाड़ कर फेंक दिया, और इसे आप लोग छोटा केस कहते हैं? क्यों, आप इस केस के लिए मोर्चा निकाल रही हैं? नहीं, इस केस के लिए खुद वकील वर्मा थी हाजिर होने वाली है, और बिजनेसमैन त्रिशैलम को इस केस में सजा दिलवा कर रहूंगी। त्रिशैलम, त्रिशैलम, त्रिशैलम। मिस्टर त्रिशैलम, क्या आप अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं? 9840-6812, 9440-6812, ओके? योर ऑनर, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मेरी क्लाइंट बसंती स्पोर्ट्स कोटा के जरिए वो इंजीनियरिंग सीट के लिए अप्लाई करने के लिए रिकमेंडेशन लेटर लेकर ये त्रिशैलम के पास गई थी। मौके का फायदा उठाकर जबरदस्ती करके मेरे क्लाइंट के साथ बलात्कार करने की कोशिश की त्रिशैलम ने। सॉरी योर ऑनर, ये सारा इल्जाम सरासर गलत है।
सच बात यह है कि 16 तारीख को मेरा क्लाइंट चेन्नई में था ही नहीं, बल्कि वो बैंगलोर में क्लाइंट मीटिंग में व्यस्त थे। उनके आने जाने की ये एयर टिकट और उनके निवास का ये होटल बिल मैं कोर्ट के सामने सबूत के तौर पर पेश करता हूँ। अरे पापी, तू ऐसा झूठ क्यों बोल रहा है? जिस दिन ये कांड हुआ मॉर्निंग 11 o'clock, जिसके साथ आप मीटिंग करने वाले थे उसके साथ, उसी वक्त आप मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे कि नहीं? ऐसे आमने सामने बैठकर मोबाइल फोन पर भी बात करते हैं? What? ये क्या बात कर रही हैं आप? मैं जैसे ही फ्लाइट से उतरा, उतरते ही अपने क्लाइंट को फोन किया बस। एग्जैक्टली मैं बताती हूँ योर ऑनर, उस दिन इनके फोन के सारे कॉल्स रिकॉर्ड हैं। ईसीआर रोड के टावर्स पे मोबाइल कंपनी ने सारे के सारे रिपोर्ट दिए हैं सर। योर ऑनर, अगर हम 50 रुपए दे तो कोई भी मोबाइल कंपनी कहाँ किसको किस वक्त फोन किया है ये सारी डिटेल्स दे देते हैं, जो इजीली मिल जाता है। तो इसलिए इस मामले में मोबाइल डिटेल्स के बेसिस पर मिस्टर त्रिशलम उस वक्त बैंगलोर में नहीं थे, इस बात का कंफर्मेशन नेटवर्क से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर त्रिशलम बैंगलोर में नहीं थे, वो उस दिन चेन्नई में ही थे। कॉलेज में एडमिशन लेने गई वसंती को जबरदस्ती अपनी हवस का शिकार बनाया, बेचारी। और ऐसी हालत में योर ऑनर, इज्जत चली गई ये सोचकर वसंती सुइसाइड करने के लिए मजबूर हो गई, लेकिन वो चाहकर भी सुइसाइड नहीं कर पाई योर ऑनर, और यहाँ इसे इंसाफ मिलेगा ये सोचकर आई है योर ऑनर। इसलिए मुजरिम को कड़ी सजा देने के लिए मैं अदालत से गुजारिश करती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, दैट्स ऑल योर ऑनर। मैं इस केस को 26 तारीख तक स्थगित करता हूँ। सर सर, आप चिंता मत कीजिए सर, हम इस केस को जीत लेंगे सर। क्या जीत लेंगे? रात भर बार में पड़े रहना, लड़कियों के डांस देखना, उनपे पैसे उड़ाना, सुबह टीका लगा के यहाँ आ जाना, केस पे ध्यान नहीं तेरा। देखा उसने कितने सारे पॉइंट्स निकाले? सर मुझे अंदाजा नहीं था सर कि वो इतने पॉइंट निकाल लेगी सर। कुछ भी कर, मुझे नहीं मालूम, मुझे इस केस से बाहर निकाल बस। सर मैं एक वकील हूँ, दूसरे की तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात बता दूँ आपको, इस केस से बचाने वाला एक ही आदमी मेरी नज़र में है, त्रिलोचन, मिनिस्टर अन्ना जयप्रकाश का बेटा, वही एक काबिल वकील है सर। देखिए मुझे किसी भी तरह से इस केस से बाहर निकलना है। आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं मिस्टर त्रिशलम, वी शुड बी प्रैक्टिकल। आप एक काम कर सकते हैं, उस लड़की बसंती को कुछ पैसे देकर इस केस को बंद करवा सकते हैं। मैंने बहुत ट्राई किया सर, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है सर। सिर्फ पैसों के बल पर ही नहीं, आदमियों का बल भी साथ लेकर जाना पड़ेगा, ये आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर मालती ने प्रॉब्लम किया तो? वकील मालती को मैं संभाल लूंगा। ओके सर। ओके, थैंक यू जेंटलमैन। थैंक यू सर। ये क्या सर, आप सोच समझ कर बात कर रहे हैं ना? वकील साहिबा, मैं सब कुछ अच्छी तरह समझ रहा हूँ, बस किसी तरह आप इस केस को वापस ले लीजिए वकील साहिबा। किसी ने धमकाया है, आदमी भेजकर धमकाया है क्या? आप किसी की चिंता मत कीजिए, केस अपने ही पक्ष में है, हम लोग जरूर इस केस को जीतेंगे। केस तो हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन मेरी बेटी तो जिंदगी से हार जाएगी। जो कुछ भी मेरी बेटी के साथ हुआ है वकील साहिबा, उसे मैं एक एक्सीडेंट समझ कर भूल जाऊंगा। बस मुझे मेरी बेटी जिंदा चाहिए, केस वापस ले लीजिए। ये सब क्या कर रहे हैं? नमस्कार। नमस्कार, आज का मुख्य समाचार ये है, बिजनेसमैन त्रिशलम जो बसंती रेप केस में फंसे थे वो बाइज्जत रिहा हो गए, और उस लड़की बसंती ने अपना केस वापस ले लिया है, खबर मिली है कि? थैंक यू मिस्टर त्रिलोचन, मेरी इज्जत बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिना कोर्ट में हाजिर हुए ऐसे केस को जीतने वाले पहले वकील आप ही हैं। ब्लैंक चेक, जितना चाहिए भर लीजिएगा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अभी केस खत्म नहीं हुआ है, फीस केस खत्म होने के बाद लूंगा। सर केस तो खत्म हो चुका है। केस आपके हिसाब से खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से अब शुरू करने वाला हूँ। यस दैट्स त्रिलोचन। योर ऑनर, एक आदमी का फेमस होना गलत है क्या? प्यार से अगर उसने उसको छू लिया तो क्या उस लड़की का उसने रेप कर दिया? इट्स वेरी सिंपल सर। लेकिन अब मेरे क्लाइंट त्रिशलम ने पैसा लेने के लिए इन पर केस नहीं किया है, बल्कि अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए किया।
मिलाड कटघरे में जो लड़की खड़ी है ये एक कॉलेज गर्ल है, लेकिन इस दुनिया के लिए ये एक कॉल गर्ल है। नहीं सर, नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। यस, दो केस फाइल हुए हैं देह व्यापार के मामले में, दोनों केस इसी के नाम पर है। ये लड़की बहुत ही चालाक है, देह व्यापार इसका अपना धंधा है। मिलाड इस लड़की की सोची समझी साजिश है। मिस्टर त्रिशैलम के ऊपर इल्जाम लगाकर पैसा ऐंठने की कोशिश कर रही है ये लड़की। ये झूठ है सर। ये लड़की बहुत ही गंदी लड़की है, ये किसी भी वीआईपी को कोर्ट में खींचकर उसकी इज्जत नीलाम करवाती है। इसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसके जरिए बाकी लड़कियों को भी एक सबक मिले। That's all your honor. अरे पापी, उसने मेरा अरेस्ट किया है, यही सच है। मैं कॉल कर नहीं हूँ, जस्ट साहब मेरा यकीन कीजिए, मेरा यकीन कीजिए, जस्ट साहब मैं कॉल कर रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए, जस्ट साहब मैं कॉल कर रही हूँ। सारे गवाहों को सुनने के बाद ये पता चला, पहले तो केस किया और फिर खुद बसंती ने त्रिशैलम के ऊपर लगाया गया आरोप वापस ले लेने की वजह से ये लगता है कि त्रिशैलम पर लगाया गया केस झूठा है। और इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। इन सभी बातों को सुनने के बाद आरोपी बसंती को झूठा इल्जाम लगाने के आरोप में ये अदालत आरोपी को बामुशक्कत एक साल की सजा सुनाती है। इसने कोई गलत नहीं किया, इसको क्यों सजा मिल गई? न्याय नहीं है, न्याय नहीं है। क्या वकील साहब, क्यों देख रहे हैं इस तरह? आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, इसलिए मैं आपके लिए इतना बड़ा कर रहा हूँ। आपकी फीस क्या है और क्या नहीं है मुझे कुछ नहीं पता। मंदिर में भगवान के सामने चढ़ाओ तो सब चढ़ाते हैं, और यहाँ मेरे लिए भगवान आप ही हैं। त्रिशैलम को बचा लिया आपने, और फ्यूचर में जितनी गलती करूंगा उसके लिए एडवांस। आज रात को मैंने अपने फार्म हाउस पे पार्टी रखी है, वहाँ आप जरूर आइएगा। अंदर क्या कर रहा है? तेरे से पूछ रहा हूँ, तू अंदर क्या कर रहा है? तू ही तो मुझे लेकर आया। अच्छा, आगे तुझे सिर्फ लड़कियां दिखाई दे रही है, अभी तुझे मर्द नजर नहीं आए? ये सब पूछने वाला तू कौन है?
जिन जिन लड़कियों का तूने बलात्कार किया है मैं उन सब का भाई। तुझे क्या चाहिए? कोर्ट में मरी हुई बसंती की जान वापस चाहिए। तू दे सकता है? बोल, दे सकता है? कौन है तू? त्रिशैलम, त्रिशैलम, त्रिशैलम। अब याद आया? अपने दिमाग पर जोर मत दे, तुझे कभी नहीं पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। मुझे कुछ मत कर, कुछ मत कर। तुझे क्या चाहिए बस ये बोल, मुझे जितना पैसा चाहिए सब दे दूंगा। ऐसा क्या? जितना मांगू उतना देगा? दे सकता है। बुढ़े, तेरा एक पैर कब्र में है, लेकिन लड़कियां तुझे एकदम कम उम्र की चाहिए। छोटी लड़कियां चाहिए, फैमिली की लड़कियां चाहिए, और फ्रेश लड़की चाहिए। कोर्ट ने बेगुनाह साबित करके छोड़ दिया, तू भी छोड़ दे। वो पैसे से खरीदा हुआ फैसला था, लेकिन अब मैं जो फैसला सुनाऊंगा वो मेरा फैसला होगा, सही फैसला। मुझे फैसला सुनाने वाला तू कौन होता है? मैं मन का साक्षी हूँ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दे, नहीं मुझे मत मारना। नहीं, देख देख देख, जाने दे, छोड़ छोड़ दे, मुझे मुझे मत मारना, मुझे छोड़ छोड़ दे, नहीं नहीं। एम्बुलेंस आई क्या? हाँ सर, एम्बुलेंस आ गई। सर, ये त्रिशैलम का पीए है भास्कर। यहाँ पे कोई बाहर का आदमी तो नहीं आया था? नहीं सर, उनके फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर आए थे, बाहर का कोई नहीं आया। सर, कोई सुराग मिला क्या? त्रिशैलम ने कल रात में पार्टी रखी थी सर, और कुछ डांस ग्रुप वालों को बुलाया था, और ग्रुप के एक मुजरिम को मार करके उस मुजरिम की जगह पर शामिल हो गया था। हाँ रमेश सर, अब वो डांस ग्रुप कहाँ है? कल रात को वो लोग यहाँ से चले गए, उस ग्रुप के इंचार्ज को हमने पकड़ रखा है सर, वो है। नमस्ते सर। तो उसको जानता है क्या? नहीं सर, भगवान की कसम मैं उसे नहीं जानता सर। अरे जिसको मार पड़ी वो कहाँ गया? अभी अभी उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है सर। अच्छा, अचानक एक नया आदमी तुम्हारे ग्रुप में आ गया और तुम्हें पता भी नहीं चला? वो कपड़े अलग थे और मेकअप भी ज्यादा किया था ना सर, और अंधेरा भी था बहुत, और नशे में भी थे ना सर, तो कैसे पहचानेंगे कौन अलग है और कौन अपना कौन पराया। इसका स्टेटमेंट ले लो। ठीक है सर, एड्रेस और फोन नंबर लेकर छोड़ दो। ओके सर। तुझे कभी भी पुलिस स्टेशन बुलाएंगे आएगा ना? हाँ आ जाऊंगा सर। पर्स है, जूते हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, 4000 कैश है, व्हाइट रुमाल है, सेलफोन और ये पेन है। पेन ठीक से देखकर बताइए कि ये आपके मालिक की है या नहीं। सर ये पेन मेरे सर का नहीं है। लेकिन ये तो उन्हीं के शर्ट से मिला है। लेकिन मेरे सर पेन नहीं यूज करते थे। आयुष हो? यस सर, चेकबुक में साइन करने के लिए भी पेन मुझसे मांगा करते थे। हो सकता है वो पेन का इस्तेमाल करते और तुम्हें इस बात का पता भी ना हो। बिल्कुल नहीं सर, उनको तो पेन रखने की आदत ही नहीं थी, हाथ से कुछ नहीं लिखते थे, लैपटॉप ही यूज करते थे, और अगर उनको कभी भी कुछ भी लिखना होता था तो मुझसे लिखवाते थे। ओके, इनसे साइन करवा के सब उनको दे। ओके सर, लेकिन तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। थैंक यू सर। यहाँ साइन करो और ये सब ले जाओ। Thank you.
वेलू, जरा न्यूज़पेपर देना। जी सर। मैं कमिन सर। यस मिस्टर कर्नाकर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू सर। बोलिए मिस्टर कर्नाकर। सर, मैंने आपसे पूछा था ना मंत्री जी के केस के बारे में। वेलो। जी सर। रिकॉर्ड सेक्शन में जाकर त्रिशैलम की फाइल लेकर आओ। जी ठीक है। त्रिशैलम केस में एनी इम्प्रूवमेंट? मिला है सर। कोई भी गुनहगार कोई ना कोई एविडेंस छोड़ देता है, लेकिन ये गुनहगार तो एविडेंस रख के गया है। मंत्री के पास पेन लगा गया है सर। मंत्री के बनियान में ये पेन मिला है, इसे खोलिए सर। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का ये कहना है कि कोर्ट में ये पेन अक्सर यूज होता है। देखिए इसका नीब भी टूटा हुआ है, यानी कि किसी जज ने। आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ रहा हूँ। हम किसी भी मुजरिम को सोच समझकर फांसी की सजा सुनाने के बाद पेन की नीब ऐसे नहीं रखते, तोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन एक मुजरिम किसी का खून करके एक पेन रख के जाता है जो किसी जज का पेन है, इसका क्या मतलब हुआ सर? कोर्ट के फैसले से नाखुश होकर उसने अपना खुद का फैसला सुनाया, वो कौन हो सकता है सर? सर मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ वेलू। वेलू पीने के लिए पानी ले आओ। जी अच्छा। ये लीजिए। थैंक यू सर। मिस्टर कर्नाकर सर, इस केस में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आई विश यू ऑल सक्सेस। थैंक यू सो मच सर। नागराज एक काम करो सर, स्टेट के हर पुलिस स्टेशन में एक नोटिस भेजिए। ठीक है सर। ये लिख करके क्या पहले भी ऐसी कोई हत्या हुई तो नहीं? ओके सर। और हाँ ये लिखना, जो कोर्ट से बरी होकर जाते हैं उनकी हत्या हुई है। सारे रिकॉर्ड को अच्छी तरह से चेक करिए, ठीक से पढ़िए और मुझे रिपोर्ट करिए। कैरी ऑन कीजिए। ठीक है सर। वहाँ पर बेल बज रही है और किसी का ध्यान नहीं है। हाय वेलू, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा। पापा ये है वेलू। हेलो वेलू, तुम घर पर ऐसा ही ड्रेस पहनते हो, सुपर है। मैं भूल गया, आइए ना आप अंदर आइए। कौन आया है? हाय दीदी। पापा ये वेलू की बहन है और इस घर की होम मिनिस्टर। इसे अपना ही घर समझकर बैठिए। दीदी ये क्या आप ऐसे खड़ी हुई हैं? अरे चाय कॉफी कुछ तो लेकर आइए, मेरे और पापा के लिए कॉफी और मम्मी के लिए चाय। ये जीजा जी अभी तक सुधरे नहीं, हमेशा टीवी देखते रहते हैं। इतना टीवी देखना अच्छा नहीं, समझाइए इन्हें। कौन है ये? ए वेलो। हाय श्रुति, ये लो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू। ए वेलो, कौन है ये लड़की? फ्रेंड है। कोर्ट में काम करती है? नहीं वो कॉलेज में पढ़ती है। कोर्ट में काम करने वाले और कॉलेज में पढ़ने वाली का क्या संबंध? मुझे क्या पता, और तुम ये सारे सवाल मुझे क्यों पूछ रहे हो? वो लोग आए तो कॉफी पिला दो ना, जाओ। पता नहीं इसे क्या हो गया, पागलों की तरह। क्या वेलू, इंक्वायरी कमीशन थी क्या? ए, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? मम्मी और पापा तुम्हें देखना चाहते थे। माँ और पिताजी देखना चाहते? क्यों क्यों, वो लोग अपने होने वाले दामाद को नहीं देखेंगे क्या? हाँ क्या, क्या? दीदी मैं आ रही हूँ। दीदी कॉफी बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें शक्कर नहीं है। बिना शक्कर के इतनी टेस्टी लग रही है, तो शक्कर डालने के बाद कितनी टेस्टी लगेगी? आपके हाथ की कॉफी है ना। संभाल कर ले जाना। एक्चुअली हम लोग यहाँ आएंगे ऐसा सोचा भी नहीं था, हम लोग तो मंदिर आए थे, साथ ही साथ इधर भी आ गए। आप लोगों से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। आप लोग भी कभी पूरी फैमिली के साथ हमारे यहाँ आइए ना। जरूर आएंगे। तो फिर हम लोग चलें? हाँ चलो। हाँ। क्या हुआ वेलू, डर गए थे क्या? मैं तो ऐसे ही मजाक मस्ती में आई थी। कल 14 फेब है, वैलेंटाइन डे है, हम लोग बड़ी धूमधाम से मस्ती करेंगे। कल हम साथ में जाएंगे, MG रोड जाएंगे, मूवी देखेंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे और अच्छे से खाना खाएंगे, और फिर वहाँ से महाबलीपुरम जाएंगे और सीधे लेट नाइट वापस आएंगे। ठीक है ना? ओके ना। तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ घूम नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जाओ। अच्छा तुम्हारे पास कोर्ट में काम करने के लिए टाइम है और मेरे साथ घूमने के लिए नहीं है? हाँ कल तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा, नहीं तो मैं क्या करूँगी देख लेना। नहीं आ सकता, कल मुझे काम है।
मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम कल आ रहे हो डॉक्टर। तमिलनाडु में पिछले 5 सालों में ऐसे 3 केस आए हैं सर, जैसा कि आपने पता करने को कहा था। 3 मर्डर केस के बारे में ऐसा पता चला है। पढ़ो जरा। मदुराई में 2004 में मार्च 10 को एक पॉलिटिकल लीडर की हत्या हुई थी, उसकी ये फाइल है सर। 2005 में दिसंबर 21 को एक मिल ओनर की हत्या हुई थी, उसकी ये फाइल है सर। और 6 जून 2006 को तिरछी गांव के एक कपड़े के व्यापारी की हत्या हुई थी। इन तीनों का मर्डर कोर्ट से बाइज्जत बरी होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही हो गया था सर। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन तीनों हत्याओं में 2 डेड बॉडीज के पॉकेट में डिप टूटा हुआ पेन मिला था सर। अच्छा, इसका मतलब हत्या एक ही नहीं हुई है, कंटिन्यूटी में है। अलग अलग मर्डर करने वाला इंसान अब मुंबई में आ गया है। कोर्ट से जब भी कोई मुजरिम बरी होकर बाहर निकलता है, उसने उनको जान से मारने का ठेका ले रखा है। ऐसा करने वाला इंसान कानून जानता है, कानून पढ़ा है, या फिर कानून की तरफ से वो धोखा खा चुका है। सर ये बिल्कुल सही सोच है सर। नागराज सर, एक काम करो। क्या सर? किस किस वीआईपी का केस कोर्ट में चल रहा है और कौन से केस जजमेंट लेवल पे चल रहा है, अच्छी तरह से छानबीन करके उनकी प्रॉपर एक लिस्ट तैयार करो। ओके सर। हमारी लिस्ट निकलने से पहले अगर मुजरिम ने वो लिस्ट निकाल ली होगी तो कोई भी वीआईपी तमिलनाडु में जिंदा नहीं रहेगा सर। नागराज सर, जितना मैं बोलूं उतना करोगे? यस सर। बोलिए सर, आज कोर्ट में सुनवाई है, हम जीत जाएंगे ना? वो केस हमारे ही फेवर में होगा, आज एमडी नारायण के खिलाफ ही केस जाएगा, डोंट वरी। क्यों रे बुड्ढे, कैसा है तू? बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। जो पैसा मैं तुमको दे रहा था वो पैसा लेके तुम्हें भाग जाना चाहिए था। कोर्ट कचहरी के चक्कर में तू क्यों पड़ गया? तुमने इससे फीस ली कि नहीं? क्या बोल रहा है तेरा वकील? तुम लोग जीत जाओगे, यही ना? इनको तो मैंने पैसे दे दिए, तू कैसे जीतेगा? यकीन नहीं होता? अंदर आके सुन ले। तमाम दलीलें सुनने और देखने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मन्नाडी नारायण ने पैसे लिए हैं उसका कोई सबूत नहीं है। मन्नाडी नारायण के और भी बिजनेस है। मन्नाडी नारायण कई तरह के बिजनेस करते हैं, लेकिन रियल स्टेट का बिजनेस नहीं करते हैं, ये सबूत हमारे पास है। जो पैसा दिया गया है उसका कोई भी सबूत या कोई गवाह नहीं है, इसलिए ये अदालत बिना किसी सबूत या गवाहों के आधार पर मन्नाडी नारायण को गुनहगार साबित नहीं करती, इसलिए ये अदालत उनको बाइज्जत रिहा करती है। आज ये अदालत का फैसला है इस केस को रिजेक्ट किया जाए। बीसीपी करना कर। सर नागराज बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। हाईकोर्ट के बाहर हूँ सर। जैसा आपने बोला है वैसे ही एक वीआईपी का अभी अभी जजमेंट हुआ है सर। कौन है वो वीआईपी? वो एमडी नारायण सर, रियल एस्टेट पार्टी। उसके साथ साथ रहो, उसको अच्छी तरह से सिक्योरिटी दो। यस सर। उसको अकेला मत छोड़ना। ओके सर, बी अलर्ट। हाँ ठीक है सर। बुड्ढे। हाँ साहब। खाना तैयार हो गया क्या? अभी 5 मिनट में रेडी हो जाएगा, चिकन अभी उबल रहा है। ठीक है, तब तक मैं इस अचार को ही चाटता हूँ। ए बुड्ढे। हाँ साहब। इस एरिया में कोई मर गया है क्या? शंख किस लिए बज रहा है? पता नहीं साहब। ठीक है जाके चिकन ला। हाँ ठीक है, अभी लाता हूँ। जब टाइम खत्म हो जाता है तो जाना ही पड़ेगा। ये शंख की आवाज तो अपने बगीचे से आ रही है। यहाँ किसे दफनाने के लिए तूने ये कब्र खोदी है? मन्नाडी नारायण नाम का कोई मर गया है, उसी को दफनाने के लिए यहाँ मैंने गड्ढा खोदा है, और गड्ढा खोदने के लिए मुझे 500 रुपए मिले हैं। साला, मेरे को दफनाने के लिए तुझे पैसे किसने दिए? ए, कौन है रे तू? कहाँ है? सामने आओ, कहाँ? सामने आओ, मैं कहता हूँ सामने आओ। कौन है रे तू? मैं पूछ रहा हूँ कौन है तू? ए, कौन है तू? बोल ना।
पुलिस वाले बता रहे थे मैं वही एमडी नारायण हूँ। इसका मतलब जानता है, सबको जिंदा दफना देता हूँ। तो मुझे दफनाने आया है, अभी बताता हूँ। रुक, ए, हेलो, इंस्पेक्टर नागराज बोल रहा हूँ। सर, नारायण बोल रहा हूँ। आपने जैसा कहा था वो आदमी मुझे दौड़ा रहा है सर। आप कहाँ से बोल रहे हो सर? सर, मैं फार्म हाउस से बोल रहा हूँ, जल्दी आइए सर। ए, आजा, बहुत अच्छा, जो गड्ढा तूने खोदा है वो तेरे लिए, मेरे लिए नहीं। आजा। संध्या, मुझे नहीं लगता कि तेरा लवर आएगा, बहुत लेट हो गया है यार। थोड़ी देर और वेट करते हैं। चल ना। वेंकटरमन, इस सिटी में क्या हो रहा है और क्या नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। त्रिशैलम के मर्डर के बाद वीकली मैगजीन की तरह कोई वीकली मर्डर भी करने लगा है। लगता है एक ही आदमी का काम है। हाँ यार,
एक साथ दो मर्डर बिल्कुल एक तरीके से हुए। मर्डर करने का सिलसिला ही खत्म हो चुका है। पेलू, पेलू, मुझे तुमसे बात करनी है। कब से बुला रही हूँ, सुनो ना। कल रात भर मुझे नींद ही नहीं आई, फिर मैं कितना दर्द था और ऊपर से तुमने क्यों फट रहा था? कल तुम कहाँ थे? चंगलपट में एक काम से गया था। अब बोलो। देखो झूठ मत बोलो, मुझे सच बताओ। कल मैंने तुम्हें देखा था, तुम अपनी बाइक पर जा रहे थे, पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही थी और तुम उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग गए। तुम गलत समझ रहे हो, वो मैं नहीं था। नहीं, मैंने अपनी आँखों से तुम्हें देखा। तुमने जैसे देखा वो कोई और होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ बेलू। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अब जाओ अपना काम करो। बेलू, हाथ निकालो, मुझे सच्चाई बताओ। संध्या, हाथ निकालो। तुम सच बताओगे या नहीं? तुम जाओ और पढ़ाई करो। कितने फोन कॉल और कितनी इंक्वायरीज, डिपार्टमेंटल प्रेशर आ रहा है। एक तरफ से पब्लिक, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट। आने वाले 6 महीनों में इलेक्शन है और सीएम भी मुझसे कह रहे हैं कि ऐसे ही होता रहा तो वोट कौन डालेगा। आप ही बताओ सीएम को क्या जवाब दूं मैं? सॉरी सर। मिस्टर कर्नाकर सर, पब्लिक का पुलिस पर जो भरोसा है वो टूट चुका है। पब्लिक को हमें किसी भी हालत में जवाब देना होगा। अगर इसमें हमसे कुछ देरी हुई तो पब्लिक डिपार्टमेंट पर भड़क जाएगी। हम चांसेस नहीं ले सकते। पब्लिक को समझाना ही होगा, उन्हें भरोसा दिलाना होगा, शांत करना होगा। और उसका रास्ता है मीडिया, और उसके लिए इवनिंग में 7 o'clock टीवी पर लाइव कॉन्फ्रेंस अरेंज की है। आप उसमें जवाब दोगे। जनता हमसे कई तरह का सवाल करेगी। जो भी है सच बोलना, कुछ भी हो जाए पब्लिक पर गुस्सा मत होना। उन्हें ये बताइए कि केस सुलझाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वेलकम बैक टू सिटी राउंडअप। सिटी राउंडअप के आज के इस प्रोग्राम में आप लोग हमसे पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर कोई भी सवाल कर सकते हैं और उन सवालों का जवाब हम आपको देंगे। चलिए देखिए आज का पहला कॉलर कौन है और वो हमसे कौन से सवालों का जवाब मांगते हैं। हेलो। हाँ सर बोलिए। मैडम मैं गिलावरम से हेलो मलिक बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैडम आप जो भी ड्रेस पहन के आती हैं बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। आप डीसीपी साहब से कुछ पूछना चाहते हैं ना, पूछिए। मैं डीसीपी साहब से बाद में बात करूँगा। पिछले वीक आप साड़ी पहन कर आई थी ना, उसमें कसम से एकदम पटाखा लग रही थी और आपका स्माइल भी बहुत प्यारा है। डीसीपी साहब खुद हमारे पास बैठे हैं, सवाल पूछ लीजिए। सब छोड़िए ना मैडम, मुझे तो आपसे बात करने में बड़ी खुशी होती है। बहुत दिनों से मैं आपका नंबर ट्राई कर रहा था और आज मेरा नंबर लग गया। आप अपना मनपसंद गाना डीसीपी साहब के लिए डेडिकेट कर दीजिए मैडम। देखिए अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित सवाल पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इट्स ओके। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है और कहाँ से हैं। हेलो। हेलो मैडम, मैं पूरू से चंदर बोल रहा हूँ। डीसीपी सर है क्या? बोलो चंदर, मैं डीसीपी बात कर रहा हूँ। सर, 1 महीने के अंदर 2 मर्डर हुए हैं और आगे नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? आगे नहीं होगा, हम लोग बहुत ही सीरियसली इस पर काम कर रहे हैं। आगे ऐसा होने की कोई भी संभावना नहीं है। ये सब छोड़िए सर, इससे पहले 3 मर्डर हुए, वो कौन सी गिनती में आएंगे? इस बात का जवाब दीजिए। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? पब्लिक के सामने अगर आप झूठ बोलेंगे तो कैसे चलेगा सर? डोंट टॉक नॉनसेंस। कौन बात कर रहा है? कहाँ से बोल, कहाँ से रहे हो तुम? मैं कहाँ से बोल रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या बोल रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। हेलो मिस्टर, ज्यादा बात मत करो, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैं मन का साक्षी हूँ। मन का साक्षी, क्या मतलब है? देखिए सर, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूं। और एक बात आपके लिए, मेरा टारगेट वो लोग हैं जो कानून को पैसे से खरीदते हैं, पैसे के बल पर कोर्ट से छूट जाते हैं। मैं उनको मौत का फैसला सुनाता हूं। ये बात उन तमाम बेईमान लोगों को पता चले। बिल्कुल सही आदमी है। ए, अपना मुंह बंद कर। पब्लिक को बताने के लिए आपने जो मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और टीवी वालों का भी बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो हेलो, आई एम सॉरी। सर आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ सबको सच बताने आया हूँ। मेरे वकील ने जो कहा वो सब झूठ है। आज तक जितने भी गलत काम किए उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। इलेक्शन में जो भी कुछ दंगा फसाद हुआ, जो हंगामा हुआ, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। आप जो सजा देंगे वो मुझे स्वीकार है। आप जो भी कह रहे हो होशो आवास में कह रहे हो? हाँ सर, मैं होश में ही कह रहा हूँ, सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ।
यहाँ के सब लोगों से मैं माफी मांगता हूँ। आप यहाँ खड़े होकर पागलों की तरह क्यों बातें कर रहे हो? जो कुछ भी हो आप अपना सही फैसला सुना दीजिए। जो कुछ भी हंगामा दंगा फसाद इलेक्शन में हुआ इन सब के लिए अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं, इसलिए और किसी दूसरे आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है और इसलिए ये कोर्ट इन्हें 6 महीने की बामुशक्कत सजा सुनाती है। सर आप जीते रहो, आज आपने मुझे मौत से बचा लिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने सब गलत कर दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर आज यहाँ बच जाता तो वो आदमी मुझे कभी भी मार देगा। कौन आदमी? कल रात तूने टीवी नहीं देखा क्या? अरे वही रे मन का साक्षी। आज तो यहाँ अच्छा हो गया, कम से कम मुझे 6 महीने की सजा मिली। अगर मैं बच जाता तो मुझे मौत की सजा मिल जाती। सुनो वकील साहब, इसलिए मैंने गलती को कबूल करके अपने मन को हल्का कर दिया, तुम समझ गए ना? सबको अपनी जान बहुत प्यारी होती है, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी फीस तुझे मिल जाएगी, वो भी तेरे घर पे। और एक बात सुन ले, आज से झूठा के लड़ना बंद कर दे, समझ गया ना? नहीं तो एक दिन वो मुझे भी मार देगा। तू कोर्ट में इतना झूठ बोलता है कि एक दिन वो तुझे भी मार देगा। अच्छा है तू मेरी बात मान ले, चलता हूँ। मंत्री जी की गाड़ी यहाँ पर नहीं है, शायद घर पर नहीं रहेंगे, हम लॉयर से मिल लेते हैं। अरे लॉयर अंदर है? हाँ है, क्या बात है? देखा आपने सर, आजकल माली भी सवाल पूछने लगे हैं। मैं माली नहीं हूँ, इस घर का मालिक हूँ। सॉरी सर, वो सर पे टॉवेल था ना इसलिए पता नहीं चला। ये बताओ तुम लोग मुझे टॉवेल पहने हुए देख कर, अगर तुम लोग मुझे नहीं पहचान पाए तो मुजरिम को कैसे पहचानोगे? तुम बताओ डीसीपी। सर हम लोग पूरी तरह से एफोर्ड कर रहे हैं सर। तुम क्या एफोर्ड कर रहे हो मुझे मालूम है, मेकअप पोत कर टीवी में आ जाते हो, उधर भी वो फोन करके बोला कि मारूंगा। और तुम्हारा सर ब्रेकफास्ट हुआ क्या? नहीं सर। जा जा अंदर जा, अंदर जा, खा। थैंक यू सर। जा जा। हमारे सभी एफर्ट्स तो अच्छे थे, लेकिन ऐसा ही होगा ये बिल्कुल मुझे यकीन ही नहीं था। जानता हूँ सर, नकली एड्रेस देकर सिम कार्ड लिया है, पकड़ नहीं पा रहे सर। आज का पेपर देखा क्या? हाँ देखा ना, आज की आवाज पेपर देखा है सर। पेपर के हेडलाइंस में ये लिखा था कि 84 मुजरिमों ने अपना गुनाह कबूल करके सजा मांग ली है। ऐसा होता रहा तो हम लोगों का क्या काम है? वो ऐसा ही करता जाएगा और तुम लोग देखते रहोगे। नहीं होगा, तभी तो मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ठीक है बोलिए क्या कर सकता हूँ। Excuse me, sir. तुमको मैंने यहाँ बुलाया है क्या? डीसीपी साहब जब आएंगे तब मैं बुला लूंगा, जाओ यहाँ से। ए, सत्यराज। यस सर। सर ने फाइल मांगी थी वो रेडी है? मैं अभी रेडी कर देता हूँ सर। ठीक है ठीक है ठीक। डीसीपी साहब से मिलने आई है सर, कुछ भी पूछता हूँ बोलता है, मुझे उनसे ही बात करनी है। लो डीसीपी साहब तो पहले से ही टेंशन में है, और ये लड़की तो रिपोर्टर लग रही है, उल्टे सुलटे सवाल पूछेगी तो सर और टेंशन में आ जाएंगे। सुनो सर। इधर आओ। क्या बात है? एक इम्पोर्टेंट बात है सर, डीसीपी साहब को ही बताऊंगी। तुम मुझे भी बता सकती हो? कल डीसीपी साहब जिसका पीछा कर रहे थे ना, मुझे उसी सिलसिले में बात करनी है उनसे। डीसीपी साहब ने कल नाइट ड्यूटी की इसलिए वो आज नहीं आए। तुम वेट मत करो, तुम अभी घर जाओ और कल सुबह 10 बजे यहाँ आ जाओ, कल आपको साहब मिल सकते हैं। ओके सर। हाँ। सर हाँ? कल आऊंगी तो डीसीपी साहब से मुलाकात हो जाएगी ना? 100% बेटा, मेरी गारंटी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ओके थैंक यू सर। सत्यराज जल्दी कर यार, टाइम हो रहा है। हाँ, करता हूँ सर। नागराज। सर ये लड़की कौन थी, कोई कंप्लेन है क्या? कंप्लेन नहीं थी सर, उसे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी थी, मैंने उससे बात की और भेज दिया उसको। मुझसे मिलने आई थी? क्या बात है। रोड पे जिस बदमाश का हमने पीछा किया था ना सर, उसी के बारे में कुछ बोल रही थी। वैसे तो पहले ही हमारे पास इतना सारा काम है,
किस किस को क्या क्या बताएंगे सर, लोगों को समझता ही नहीं है। डैम, ये पूरा काम भाड़ में जाए, क्या तुम्हें मालूम नहीं उस दिन कितने लोगों ने उसे देखा होगा। लेकिन अकेली लड़की उसके बारे में पूछने के लिए आई है, इसका मतलब ये लड़की जरूर उसके बारे में जानती है। अरे सत्या, सर जल्दी जा, जाता हूं सर। जाके लड़की को बुला के ला। अरे हम लोग को एक क्लू चाहिए, तुम जानते हो, और वो क्लू है केवल वो लड़की। छी नागराज, वो लड़की जरूर कुछ ना कुछ जानती है। सर सॉरी सर, वो लड़की चली गई। ओ शिट, एटलीस्ट नाम एड्रेस टेलीफोन कुछ तो पूछा आपने? नहीं सर। सर लेकिन कल सुबह 10 बजे उसको बुलाया है सर। क्या वो आएगी? आएगी सर, पक्का वो आएगी ना? पक्का आएगी सर। हाँ रोज मेरा यही काम रहता है, चाय ठंडा करके इसको देना बस। क्या करूँ? ए करपू, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ। आप पूछिए ना। तो सुन, मैं तुम्हारे सामने इतने सालों से खाना खाते आ रहा हूँ, कभी तूने ये बात अपने मन में सोची कि मैंने तुझे आज तक नहीं पूछा कि खाना खाएगा क्या? मन में हजार बार सोचता हूँ लेकिन बोल। हाँ, करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। कारपू, क्यों परेशान कर रहे हो? अरे इतनी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें मुझे खिलाएगा, स्वादिष्ट। इसके सहारे ही पार्लियामेंट और स्टेट में लोगों से बात करने के लिए हिम्मत मिलती है। इतना खाओगे तो बात तो करोगे ही ना। अरे टाइम पास नहीं हो रहा है, क्या करे बताना। सर एक काम करिए, डीसीपी साहब को फोन लगाइए और पूछिए कि ड्रामा कहाँ चल रहा है, फिर हम लोग वहाँ चल के ड्रामा देखेंगे और टाइम पास हो जाएगा। शाबाश। दो दिन से मैंने डीसीपी से बात नहीं की, ऐसा लग रहा है वो मुझे भूल गया। ये ले फोन लगा। सर रिंग जा रही है। नागराज सर, मिनिस्टर लाइन पे उसे बोल दो मैं मीटिंग में हूँ। ओके ओके सर। सर मैं नागराज बोल रहा हूँ सर। नागराज, तेरे डीसीपी ने बोला होगा कि मैं मीटिंग में हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 सर, मोबाइल मेरे पास था ना, देता हूँ अभी देता हूँ सर। वो आपसे ही बात करना चाहते हैं सर। सर डीसीपी, अरे इधर उधर कुछ ड्रामा चल रहा है क्या? क्या है ना, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है। हेलो, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ? इस तरह का ड्रामा करना छोड़ दो और मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़ने काम शुरू करो। आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं सर, हर दिन हम लोग सीरियसली उसी केस के बारे में सोच रहे हैं सर। ओए, टेंशन लेने से काम नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम तुम्हें मुझे फोन करके बताना होगा कि तूने मुजरिम को पकड़ लिया है या नहीं। क्यों, बराबर है? आ, बराबर। ठीक है ठीक है, रखता हूँ। थैंक यू, अपना टाइम पास हो गया। आज तो आएगी ना? जरूर आएगी सर। बस एक क्लू हाथ लगने दो, मैं किसी भी तरह उस मुजरिम को पकड़ लूंगा। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें क्या मतलब? डीसीपी साहब से मिलने जा रही हूँ। वो किस लिए? क्योंकि तुम्हारे बारे में डीसीपी साहब से मुझे पूछताछ करनी है, इसीलिए। पीछे बैठो। नहीं बैठूंगी। तुम्हें जो भी जानकारी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बैठो। बोलो ना, बैठो। मेरे पिताजी वो जज थे, न्याय के पुजारी थे वो। ट्रिनो वैली में इनकी बहुत इज्जत थी, बहुत गर्व से वो वहां पर रहा करते थे। वो कहते थे कि सफेद पोश कपड़े पहनने से कोई शरीफ नहीं हो जाता, दिमाग भी उतना ही साफ होना जरूरी है। बड़े बड़े लोगों ने इन्हें कई बार खरीदने की कोशिश की, लेकिन पैसों के लिए इनका ईमान कभी नहीं डगमगाया। मैं भी इन्हीं का बेटा हूं, इनके जैसा ही हूं, मुझ में भी इनका ही खून दौड़ रहा है, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं। और जब तक जिंदा हूं
यही चीज करते रहूंगा। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी बहन, हम सब खुश थे। बड़ी प्यारी सी जिंदगी थी। सर यही है, तहसीलदार की पत्नी है और इन्होंने ही केस किया है। जज से मिलने उसके घर पर नहीं आना चाहिए। देखिए, आज कोर्ट में आपका केस था, लेकिन आपका वकील क्यों नहीं आया? एमएलए के खिलाफ गवाही देने के लिए वकील ने मना किया। उन्होंने मेरे पति का खून किया और उसे एक्सीडेंट का रूप दे दिया। मुझे अच्छी तरह पता है मेरे पति का खून एमएलए ने किया है। लेकिन लॉयर के बिना केस कैसे लड़ेंगी? कोर्ट से ही आपको लॉयर दिया जाएगा, ठीक है? नहीं साहब, नहीं। अगर उस वकील को भी एमएलए ने खरीद लिया तो? आप शांत रहिए। देखिए, आपको इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सच और आपके सबूत कोर्ट में आकर बेझिझक बताइएगा। समझ रही है ना मैं क्या कर रहा हूँ? कोर्ट के भी कुछ रूल्स होते हैं। साहब जी, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे पालूंगी? मेरे पति तो मर चुके हैं। मेरे पति को उन्होंने बड़ी बेरहमी से मार दिया साहब जी। ठीक है, ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है। इसका कोई ठोस सबूत है आपके पास? सब लोग कहते हैं कि कोर्ट में जाने से न्याय मिलता है, लेकिन कोर्ट में न्याय हम जैसे गरीबों को नहीं मिलता है साहब, पैसे वालों को मिलता है। आप कुछ भी कीजिए, न्याय दिलवा दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। क्या कर रही है? मुझे आप पर भरोसा है, आप हमें न्याय दिलवाएंगे। आप मुझे न्याय दिलवाइए साहब जी, मुझे न्याय दिलवाइए साहब जी, न्याय दिलवाइए। क्या बात है पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या किसी केस की वजह से आप डिस्टर्ब हो पिताजी? हाँ बेटा, वो तहसीलदार मर चुका है ना? हाँ हाँ, मैंने वो पेपर में पढ़ा था, कुछ एक्सीडेंट केस था। वो एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। उसकी वाइफ तो ऐसा ही बोल रही थी। आज वो घर पर आई थी, बहुत रो रही थी वो। उसके इमोशन को देखकर मुझे लगा कि वो बिल्कुल सच बोल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझसे न्याय मांग रहे थे। कोर्ट में इंसान को न्याय दिलाना मेरा काम है। उसकी बातें बार बार मेरे कानों में गूंज रही है। मैं इंसाफ करने वाला एक जज हूं, ये भी भूलना नहीं चाहिए। इमोशनल होना मेरे लिए गलत है। बेटा, जिंदगी में हमने बहुत केस देखे हैं, लेकिन मैं भी एक इंसान हूं, वो भूल जाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। आप सही कह रहे हो। भगवद गीता ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब इस दुनिया में अधर्म बढ़ेगा मैं वापस आऊंगा। पर वो कब आएंगे? पर कब आएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं। लेकिन मेरे भगवान तो आप हैं पिताजी। कोर्ट जाने से आम जनता को न्याय मिलना चाहिए। कोर्ट से ही अगर न्याय होने लगे तो फिर क्या होगा? हमें कुछ करना होगा। ए, क्या सोच रहा है? इतने लोगों को काम पर रखकर ये इधर आ। मैं अपनी दाढ़ी खुद से ही बना रहा हूं, इसी के बारे में सोच रहा है क्या? ए मोटा स्वामी, मैं कभी भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखता, फिर चाहे वो दाढ़ी बनाना हो या किसी का मर्डर करना। जो भी हो मैं खुद करता हूँ। मालिक! ए, मालिक! खड़ा क्यों है रे? बैठ मालिक, बैठ नीचे, बैठ। मालिक, मालिक, क्या है रे? इस पेपर में न्यूज देखिए, ये पढ़िए। तहसीलदार मर्डर केस में वापस फेर बदल आ गया है और जज मुतर तीना शक्तिवेल ने एमएलए के खिलाफ वकील बनकर लड़ने का फैसला किया है। ए, जल्दी से गाड़ी निकाल। ठीक है मालिक। ए, तुम 10 लोग रजिस्ट्रार ऑफिस आ जा, मुझे वेट करने के लिए मजबूर मत करना। बोलिए क्या काम है? वैसे कोई खास बात नहीं है, तहसीलदार के केस में
वकील बनकर मेरे खिलाफ लड़ने वाले हैं। मैंने पेपर में पढ़ा है वो एक्सीडेंट था। वो एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर केस है। वो एक मर्डर केस है लेकिन आपको एक्सीडेंट केस में लड़ना है, समझ गया ना? ए रख दे। ये सब क्या है? बड़े लोगों से मिलने के लिए ये सब लेकर जाने का अपना रीति रिवाज है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। इसलिए थोड़े से फल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ओरिजिनल नोट है। अच्छी बात है। ये पैसे लेकर जाइए, किसी अच्छे वकील को दीजिए ताकि वो आपका केस लड़ सके। अरे क्रीडल वैली में सबसे अच्छा वकील एक आप ही तो हैं। 1 to 100 मेरे आप ही हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? पॉइंट पर आइए। बस आप इस केस में बिल्कुल हाजिर मत होइए, बाकी सब संभाल लूंगा। देखिए एमएलए साहब जी, मुझे लगा आप एमएलए बनकर मिलने आए हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप एमएलए नहीं बल्कि एक मुजरिम बन के आए हैं। आप जा सकते हैं। सर 25 साल के इस पॉलिटिकल कैरियर में बहुत मेहनत करके मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अरे रे रे रे, आप फिर से मुझे नीचे मत गिराइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाला है, मैं जरूर जीतूंगा, मंत्री बन जाऊंगा, पक्का है। बस आप मुझ पर थोड़ी मेहरबानी। ये पॉलिटिक्स नहीं है, अब जो होगा कोर्ट में होगा। प्लीज आप जा सकते हैं। जरा सोच समझ के बात कीजिए साहब। मैंने सोच लिया है, अब जो कुछ भी होगा कोर्ट में ही होगा। ये लीजिए। इतना अच्छा घर और बहुत खुशहाल परिवार है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, गौरव पदवी सब आपके पास है। अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो सोच लीजिए क्या होगा। तो क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? अगर मुझे कुछ हो गया तो ये मेरा बेटा है ना, ये आपको नहीं छोड़ेगा। नमस्कार भाई। कॉफी बहुत अच्छी थी भाभी जी, और आपका परिवार भी ठीक तरह से अच्छे से रहना चाहिए। जस आपको थोड़ा समझाइए। नारायण नारायण। सर आप मेरे मन में हमेशा जज बनकर बैठे रहे, ठीक है। एमएलए साहब। कमला बेलू आ गया क्या? अभी तक नहीं आया, वो अपने दोस्तों के साथ शहर गया है। संगीता सो गई? हाँ अभी अभी सोई है। ठीक है तुम भी सो जाओ। लगता है बेलू आ गया, मैं दरवाजा खोलती हूँ। नमस्कार भाभी जी। सर हैं क्या? हाँ है, क्या बात है? कोई खास बात नहीं है, केस के बारे में बात करनी है, उनको जरा बुला दीजिए। अजी सुनिए सुनिए जी। क्या हुआ? इधर आइए। हाँ क्या पता इतनी रात को क्यों आया है। क्या हुआ है मेरे साहब? नमस्कार जज साहब, क्या डिसाइड किया आपने? कल मंडे है, आप कोर्ट जा रहे हैं क्या? जरूर जाऊंगा, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं कल कोर्ट जाऊंगा और आप जेल जाएंगे। मुझे पता है, इसलिए तो एडवांस में मैं आपके घर आया हूँ। पॉलिटिकल ब्रेन, कल कोर्ट में तू जाएगा मगर जजमेंट मैं डिसाइड करूंगा। अब ये समझो कि यही कोर्ट है और मैं जज हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ वही जजमेंट है। गार्ड्स गार्ड्स। चिंता मत करो, तुम्हारे सभी गार्ड सो गए हैं और ये सब लोग होम गार्ड्स हैं, मेरे घर के होम गार्ड। इज्जत से बाहर चले जाओ,
वरना मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। ये कानून को बहुत प्यार कर रहा है, इसको पकड़ कर बांध दो। ये ले। क्या कर रहे हो आप लोग? कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दीजिए। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ दो। छोड़ दो। मेरे मामा को छोड़ दो। छोड़ दो। मालिक, जो हम लोग रोज करते हैं वो करें क्या? रुक। जैस फैमिली के लिए पूरा रेस्पेक्ट होता है, सब नहीं करना चाहिए। ए, कार में पेट्रोल का कैन है, लेकर आ। उनको छोड़ दीजिए, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे रे रे रे, मेरे भी बहुत सारे सपने हैं और तेरा पति उन सपनों को चकनाचूर करना चाहता है। ये मेरा पद और पदवी के लिए लोग मेरे सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, और अब मुझे जेल में जाना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि अब मुझे जेल में कोई नहीं डाल सकता। तू बाहर नहीं जा सकता, तू जेल में ही जाएगा। ऐसा क्या? जब देखो कानून 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 की बात करता रहता है। एक दूंगा तेरे, वो तेरा कानून आकर तुझे बचाएगा क्या? ए रुक रुक, फर्स्ट लेडीज से वो क्या है, हमारे देश में लेडी सेंटिमेंट बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए इनको हम छोड़ देंगे, लेकिन इन लोगों का डेथ सर्टिफिकेट आज ही बना देंगे। पेट्रोल डाल। ये आपका और मेरा मामला है, इनको छोड़ दीजिए। सबका फैसला तू करता है, लेकिन आज तेरी फैमिली का फैसला मैं करूँगा। This is my Narayan, संगीता, संगीता, पिताजी, पिताजी। Oh, my God.
हाथों से चलाया मैंने, इन हाथों से चलाया अपनी माँ बहन दोनों को। क्या फायदा इस कानून का, यही यही जिम्मेदार है, इन्हीं की वजह से मेरी माँ और बहन की जान गई। क्या कर रहे हो? इन्हें हाथों से आग लगाई, इन्हें हाथों से चलाया मैंने उनको, इन्हें हाथों से चलो, ये हाथ ही जिम्मेदार है। क्या कर रहा है तू, यहाँ क्या कर रहा है? चल बाहर, अंदर क्यों आया? चलो बाहर, क्या हुआ? अपने आप को संभालो, चलो चलो जल्दी। तुझे अंदर आने से मना किया था ना, इसको संभालो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। तुमने तो लॉ पढ़ा था, लॉयर बन सकते थे ना। लॉ पढ़कर क्या कर लेता मैं, कानून की वर्दी पहनने के बाद मेरे पिताजी के साथ ये सब हुआ। अगर मैं कानून पढ़ता तो मेरे साथ भी यही सब होता। तो फिर ये सब क्यों कर रहे हैं और इस काम से आपका क्या संबंध? संबंध है, संबंध है। जिन लोगों की जान मैंने अब तक ली है वो लोग मुजरिम थे, उन्होंने कानून को खरीद लिया, इसलिए मैंने उनकी जान ले ली। उन लोगों ने जो किया तो किया, लेकिन पुलिस की नजर में तो मुजरिम हो। मच्छर मारने वाले म्युनिसिपैलिटी के लोग मुजरिम है क्या? हाँ, ये खून नहीं है, युद्ध है। वेलू, संध्या, इमोशनल होकर मारने वाला साइको नहीं हूँ मैं, और वैसे भी तुम नहीं समझ पाओगे। ऐसा नहीं है, मुझे सब समझ आ रहा है, मैं अभी भी बोल रही हूँ तुम जो करने जा रहे हो वो सही नहीं है। प्लीज मेरे प्यार की खातिर ये सब मत करो। मैं नहीं छोड़ सकता, तुम मुझे छोड़ दो, भूल जाओ अपने प्यार को, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरी मंजिल कुछ और है। सर, सिट डाउन। थैंक यू सर। नागराज सर, यह मिस्टर सिन्हा। हेलो। आज से इन्होंने एसीपी का चार्ज लिया है, कल से अपना मिनिस्टर अन्ना जयप्रकाश भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। यस सर। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए कमिश्नर साहब ने इनको अपॉइंट किया है, इन्हें क्या क्या चाहिए आप देख लीजिए। ओके सर। मिस्टर सिन्हा। सर, मिनिस्टर साहब के मामले में जरा संभल के रहना, अगर उनको कुछ हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। आई अंडरस्टैंड सर। पहले भी मिनिस्टर साहब पर मारने का अटैक हो चुका है, और उसके बाद से पहली बार वापस पब्लिक के बीच आ रहे हैं वो। पहले भी जिस आदमी ने कोशिश की थी वो फिर एक बार कोशिश करेगा, हमारे हाथ से तो बच गया बट उसकी इम्पोर्टेंट गन अभी तक हमारे कस्टडी में ही है। इसका मतलब हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में वो गन कहां से आई, कैसे आई? पुलिस डिपार्टमेंट से, मिलिट्री से, सारे डिपार्टमेंट से सर्च किया बट नो आइडिया। सर, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं गन को देख सकता हूँ? श्योर। ये AK-47 है, रशियन मेड, 5.4 5 mm कैलिबर, मैगजीन कैपेसिटी 30, किलिंग रेंज 1350 meters। यू नो मिस्टर सिन्हा, कुछ समझ में आ रहा है आपको? नथिंग सर। यही तो है ना सर, इतने लोगों ने देखा है, किसी के समझ में नहीं आया है ना सर। सांबर क्या तेरा बाप देगा? डालता हूँ। अब खाते वक्त भी बक 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 किए जाओगे? चल चटनी तो खा रहे हैं, एक इडली, एक डोसा, और क्या खा रहे हैं? जब देखो तो आप नजर लगाती रहती इनके खाने के ऊपर। तिरु, क्या लास्ट तक मैं नंबर 2 ही रहूंगा क्या? कैसे भी करके मेरा स्टैचू मेरीना बीच पर होना ही चाहिए। मालिक क्या है, एक छत्ती लगवाई आने को चले, छत्ती कर देंगे। तिरु, सीएम कोई प्रॉब्लम तो नहीं देगा ना? देगा, जरूर प्रॉब्लम देगा। सीएम पागल है जो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन आप अपनी भूख हड़ताल मत छोड़िएगा। हेलो। हेलो शंकर, मैं सिन्हा बोल रहा हूँ। कौन सिन्हा? किशन सिन्हा, भूल गया क्या? हे, कैसा है तू? अच्छा हूँ मैं। क्या कर रहा है, कहाँ है तू? मैं पुलिस ऑफिसर बन गया हूँ, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ, और मदुरई कोर्ट में लॉयर हूँ। ओके, अपने बाकी फ्रेंड्स कैसे हैं? सब लोग ठीक हैं। अच्छा, तो अपना वेलू कहाँ है? मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है। What? ठीक है,
आई कॉल यू लेटर, आई कॉल यू। पापा सिन्हा बोल रहा हूं। पापा वेनु कहां है? कुछ नहीं पापा, बात में मत करता हूं। क्या कह रहे हो सर? ये तो बिहार में बना हुआ डुप्लीकेट गन है सर, इट्स इनलीगल बिजनेस। क्या ये सत्य है? यस सर, उसका नाम है वेलु और उसका पूरा नाम है कर्ण वेलु। तिरुपति के लॉ कॉलेज में वो मेरे साथ पढ़ता था। उसके पिताजी को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तब उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ के बिना बताए घर चला गया। आईपीएस में सिलेक्शन होने के बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई और उसे कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। एक दिन मेरे डैड का फोन आया कि वेलु बिहार में आया है। उस समय मैं आईपीएस की ट्रेनिंग में था, तभी वेलु बिहार आया। हो सकता है कि तभी हथियार लेकर के वेलु यहाँ आया हो। आखिर वेलु हथियार वहाँ से क्यों लाएगा? बहुत आसान सी बात है सर, जो आज के मंत्री अन्ना जयप्रकाश जी हैं, उस समय वो पावरफुल एक एमएलए थे। वेलु के पिताजी एमएलए के खिलाफ केस लड़ने वाले थे सर, इससे साबित होता है। तो जो सजा उसका न्यायाधीश पिता नहीं दे सका, मिनिस्टर को सजा उसका बेटा देना चाहता है। सत्या। सर क्या हुआ सर? उस सीरियल किलर केस में उस दिन जो डीवीडी कोर्ट में शूट किया गया था उसे लेकर आओ। ओके सर। सेना, मैं जो सर्च कर रहा हूँ अगर वह सत्य हो गया तो अभी का अभी ये केस सॉल्व हो जाएगा और पुलिस डिपार्टमेंट से कलंक का धब्बा मिट जाएगा, देख लेना तुम। सर डीवीडी लगाओ। ओके सर। सेना, इस वीडियो में वेलु कहाँ है तुम्हें पहचानना है। सर थोड़ा रिवाइंड कीजिए, रिवाइंड लिटिल बैक। सर 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 प्ले सर सर सर, यही मेरा फ्रेंड वेलु। ब्लडी हेल, इससे पहले 3 मर्डर हुए, वो कौन सी गिनती में आएंगे? इस बात का जवाब दीजिए। मुजरिम तो अपने घर में ही कोर्ट चला रहा है सिन्हा। सर सीट है। उसे मालूम था कि हम यहां आएंगे, इसलिए बहुत ही क्लोजली वॉच किया है। वो भूख हड़ताल में जरूर आएगा सिन्हा। सर हड़ताल का टाइम 10 बजे है, आप यहां से सीधे स्पॉट पे जाइए, अलर्ट रहना। ओके ऑल राइट सर। एक्टिव विजिट यहां नहीं है तो फिर कहां होगा? मुझसे ये नहीं होगा। आपने नहीं देखा? मैंने देखा, मेरी माँ और मेरी बहन चली हुई लाश को मैंने फिर से चलाया। उनकी चिता से आग की लपटें उठ रही थी और उन्हीं लपटों में मैं चल रहा हूं। मेरी बहन संगीता, अरे अरे वो तो एक गर्म चाय पीने से डरती थी, उसे सहन नहीं होता था, वो उसे उन लोगों ने जिंदा चला दिया और आज भी वो लोग आजाद घूम रहे, लेकिन अब वो लोग मेरे हाथों से नहीं बच सकते। वेलु, तेरा दर्द मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन तू ये सब करके जेल चला जाएगा तो पिताजी को कौन संभालेगा? और तेरे और पिताजी के सिवा मेरा है कौन वेलु? आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, दुनिया के बारे में नहीं सोच रही। हमें सबके बारे में सोचना होगा। जो आज मेरे साथ हुआ
वो कल किसी के भी साथ हो सकता है। वेलू, तू एक मुजरिम को मारकर पूरी दुनिया को सुधार देगा? ये कानूनी अपराध है, इसे छोड़ दे। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ ये कानून की नजर में एक अपराध है, फिर भी करूंगा। मैंने किसी को पूछ कर शुरू नहीं किया था, इसलिए किसी के कहने पर रुकूंगा नहीं। तो इतना खून का प्यासा है, छोड़ दे ये सब वेलू। ये खून की प्यास नहीं है, ये एक फैसला है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो फैसला मैंने आज लिया है वो पूरा हो जाए। ये फैसला लिखा जा चुका है, ये बदल नहीं सकता। अब से कुछ देर में मंत्री की भूख हड़ताल शुरू होने वाली है, मैं जा रहा हूं। फिर से लौट कर आऊंगा ये पता नहीं, माफ कर दीजिए। ठीक है, सिंधु नदी को किस तरह यहाँ पे लाया जा सकता है ये सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं। पब्लिक ने मुझे वोट देकर यहाँ क्यों बिठाया है? क्योंकि अच्छा करूंगा, ऐसा सोचकर ही पब्लिक वोट डालती है ना। लेकिन सुनिए, सेंट्रल मिनिस्टर कुछ अच्छा नहीं करते, जिसका मुझे अफसोस है, यही सत्य है। मुझे बीपी शुगर है। आपको पाइल्स भी भूलना? हाँ, पाइल्स भी है। हाँ, ये सब होने के बाद भी मैं इस भूख हड़ताल में बैठा हूँ। भूख हड़ताल क्या, थोड़ा पिला रहे? मेरे बोलने से अच्छा है तुम समझ लो। अब मैं अपनी स्पीच को खत्म करता हूँ। एक कर्पूर। हाँ मालिक। जल्दी से सोडा पिलाना। मैंने आपके लिए बिरयानी तैयार रखी है, अभी सोडे के पीछे क्यों पड़े, छोड़िए सोडे को। ठीक है साहब, आपको मिलने के लिए आए। मैं सोच ही रहा था कि आप क्यों नहीं आए। सर, मैटर बहुत सीरियस है। जिस आदमी ने आपको मारने की कोशिश की थी वो यहाँ पे भी कोशिश करेगा। ये भूख हड़ताल अगर आप कैंसिल कर दे तो बहुत अच्छा होगा। क्या, जब देखो सोच रहा हूँ बोलता रहता है। इधर आ सर। अरे कुछ कंफर्म भी तो बता, मेरे हाथ में जरा भी खरोच आया तो उसका जवाब तुझे ही देना होगा। जा जल्दी से अपना काम कर, जा। सर वो लेटर देना। ये लीजिए सर। देखो मंत्री जी, ये भूख हड़ताल छोड़ के भाग मत जाना। मंत्री, जिस तरह ये लेटर तुम तक पहुंचा है उस तरह मैं भी पहुंचूंगा। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। अरे बाप रे, अरे बाप रे, डीसीपी इधर आओ। सर ये लेटर पढ़ो। मैंने आपको पहले ही कहा था यहाँ पे रहना रिस्क है, आप जल्दी से घर चले जाइए। क्या, कैसी ड्यूटी कर रहे हो? वो लड़का इधर ही आकर ये लेटर देकर चला गया। उसको पकड़ने की जगह तुम लोग मुझे घर जाने के लिए बोल रहे हो। जाओ जाकर उसे पकड़ो, जाओ जाओ पकड़ो उसे। सर क्यों टेंशन ले रहे हैं? उस दिन आपके बेटे ने कहा था कि सीएम कुछ भी करवा सकता है। ये तो सीएम का ही काम होगा सर, कुछ भी हो भूख हड़ताल मत छोड़िएगा। तो अभी क्या करूं मैं? टाइम बीतते जा रहा है, शुगर लेवल बढ़ते जा रहा है, बाथरूम जाने का बहाना करके पीछे आ जाइए। वहाँ काशिम भाई बिरयानी लेकर आधे घंटे से वेट कर रहे हैं आपका, जल्दी आइए। अगर किसी ने देख लिया तो? सब भूख हड़ताल में ऐसा ही होता है, आप चलिए। सॉरी। आप लोग यहीं खड़े रहिए, बाथरूम जा रहे हैं सर। देखिए तो पीछे पीछे चले आते हैं। तू इधर ही रहा। हाँ? मैं अंदर जाके आता हूँ। हाँ, जाइए सर आराम से, अच्छे से बाथरूम करके आइएगा सर, तब तक मैं खड़ा हूँ। खड़ा हूँ ना भाई। आइटम सब रेडी है लेकिन सर्व करने के लिए कोई नहीं है। सलाम। आजा भैया, सर्व करने के लिए आ गया। बाथरूम गया था क्या? चम्मच धोने गया था। हाँ हाँ, चल ठीक है ठीक है, खाना निकाल मेरे लिए चल। डाल डाल जल्दी डाल। वाह,
सरपो, मंत्री जी से मुझे कुछ बात करनी है, दरवाजा खोल। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम में है, दो मिनट में बाहर आ जाएंगे। बिरयानी की खुशबू आ रही है, इसके बाथरूम से बिरयानी की खुशबू आती है क्या? अरे बाथरूम में से बिरयानी की खुशबू आती है क्या? वो शुगर पेशेंट है। थोड़ा और लेंगे? और नहीं चाहिए, मैं बाहर भूख हड़ताल पे हूँ, मुझे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कोई बात नहीं, खा ली। अरे नहीं 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 खाऊंगा। क्यों खिला रहा है? खाओ इसे। ए! खा बोला ना, खा इसे। तुझे सुअर के जैसे खाने की आदत है ना, खा। भूख हड़ताल कर रहे हैं, वहां पर तेरे साथ हजारों गरीब भूखे बैठे और तुझे सब खाना होगा। खा इसे, खा इसे। कौन है तू? सुंदर सा घर, लक्ष्मी जैसी औरत, एक बहुत ही सुंदर बेटी और एक शेर जैसा लड़का। कुछ याद आया? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा बेटा तुम्हें सजा देकर रहेगा। अब तो याद आया होगा? अगर मुझे कुछ हो गया तो ये मेरा बेटा है ना, ये आपको नहीं छोड़ेगा। याद आया, याद आया, याद आया। जज मुझे मरने के बाद मुंह में चावल डालने का हम लोगों का रिवाज है, लेकिन मैं मरने के पहले चावल डाल रहा हूँ। तुम तो भी पायल से क्या खड़े हो ना? ए स्टॉप स्टॉप, हु आर यू मैन? मैं काशिम भाई का आदमी। दो मिनट वेट करके देखो ना, मैं टिफिन वाला हूँ। तू यहाँ अंदर कौन है? ए मालिक, 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 खोलो तो। गेट रेडी। Stop it! Don't move! Stop it! Hands up! DCP! इसको तुरंत अरेस्ट कर दो। It's over, Velu. चलो, game is over. Your Honor, मेरे 25 साल के सर्विस में यह पहला केस है जहां मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस केस की शुरुआत मैं कहां से करूं, और बिना सोचे समझे आज यहां पे खड़ा हूं। जज साहब, अच्छी पोजीशन वाले वीआईपी लोगों को जान से मारने वाला ये वेलू मुझे निस्संदेह एक साइको लग रहा है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। इस केस में मैं वेलू के लिए हाजिर हुआ हूं। ये रहे मेरे कागजात। यू मे प्रोसीड। पब्लिक में इसने एक पब्लिक सर्वेंट को मारने की कोशिश की है। आज वहां मेरे डैडी थे, कल वहां कोई और हो सकता है। बट इसने मंत्री को मारने की कोशिश की है, आज नहीं तो कल। पब्लिक ये पूछेगी कि इसने मंत्री को क्यों मारने की कोशिश की। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इस केस में मैं क्यों इन्वॉल्व हुआ। सच्चाई सामने आनी चाहिए योर ऑनर। कोर्ट खत्म होते ही आप अपने घर चले जाएंगे, वेलू को पुलिस लेकर चली जाएगी। इसने एक मिनिस्टर को मारने की कोशिश की है, हाँ। तो जाहिर है कि पुलिस इसे टॉर्चर ही करेगी। नो, यू मीन सर्कुलेशन टॉर्चर? यस योर ऑनर। इस केस की सारी सच्चाई को पूरे देश की जनता के सामने लाने के लिए मिस्टर वेलू को पूरी बात कहने का मौका दिया जाएगा, और इसकी सिक्योरिटी के लिए कोर्ट को गारंटी देनी होगी। इसलिए मैंने इसे खुद के नाम पर बाहर निकालने के लिए बेल परमिशन ली है। मैं यही कहना चाहता हूं मिलर, ये अदालत परसों तक के लिए स्थगित की जाती है। तू ऐसे करके पार्टी के सारे लोग मेरे मुंह पर थूक रहे हैं, मेरी इज्जत जा रही है। क्या इसी के लिए मैंने तुझे पढ़ाया था? तू मेरा बेटा है। अरे अगर तेरी जगह कोई और होता तो अब तक क्या हो गया होता तुझे भी नहीं पता। उसको बाहर निकालकर तू नाम कमाना चाहता है। वो आकर मुझे मार डालेगा और तू मेरी समाधि पर दूध चढ़ाएगा। हाँ चढ़ाऊंगा। ए उसकी समाधि पर। डैड मैं आपका बेटा हूँ, जैसा आप सोचते हैं वैसा मैं भी सोचता हूँ। क्या सोच रहा है तू? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे डैडी को मारने की उसने जो कोशिश की, अगर उसको कोर्ट से ऐसी ही सजा मिल जाएगी तो वो जेल के अंदर जाकर के मौज मस्ती करता रहेगा।
उसको हम बाइज्जत रिहा करा करके खत्म कर देंगे। मुझे बहुत खुशी हुई। तू तो बाप से नहीं है किससे भागे है। तू अब जाकर एक पक्का क्रिमिनल लॉयर बना है। लेपी। नो, कल कोर्ट से जजमेंट पाकर वो जैसे ही बाहर आएगा हम उसको हमेशा के लिए सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। तुम ऐसा नहीं करना, तुम लॉयर हो, तुम लीगल तरीके से काम करो और मैं एक लीडर हूँ, इन लीगल तरीके से काम करूंगा। और सुनो, तुम हमेशा लॉयर ही बने रहना, इसी में भलाई है। तुम्हारे ऊपर कौन से चार्ज लगाए गए हैं तुम्हें पता है? पुलिस कस्टडी में तुम्हें मारा गया था। वेलू जी, आप सच सच बताइए, हम आपके बोलने का वेट कर रहे हैं, आपकी जुबान से हम सारा सच जानना चाहते हैं। प्लीज स्पीक टू द कोर्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर आपसे माफी चाहूंगा। मैं आपके पीछे एक संतरी बनकर खड़ा रहा और इतनी बड़ी गलती कर दी, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, दर्द हो रहा है मुझे। वकील साहब को मुझसे कितना प्यार है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अपराधी को निरपराधी साबित कर रहे हैं, इतने सिंसियर है अपने काम में, देख रहे हैं ना आप सब लोग। और ऐसे ही होता है, एक संगीन अपराधी को एक निरपराधी साबित करते हुए उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। मैंने 5 खून किए हैं, सोच समझ कर मैंने ये सब किया, यही मेरा स्टेटमेंट है, आप लिख लीजिए। लेकिन एक बात बोलूंगा, मैंने 5 खून किए हैं और यह बात आसानी से साबित हो सकती है, फिर भी ग्रेट लॉयर मिस्टर त्रिलोचन मुझे बाइज्जत बरी करा देंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि इस महान वकील ने बड़े बड़े मुजरिमों को इस कोर्ट रूम से बाइज्जत बरी करा दिया है, यही तो इस महान वकील की खासियत है। और ऐसे महान वकीलों की वजह से बड़े से बड़ा मुजरिम इस कोर्ट रूम से बाहर निकल जाता है और एक पैसे वाला अपने पैसे के दम पर बड़े बड़े लॉयर्स को बड़ी आसानी से खरीद लेता है। और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये मैं खुद के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरा इस कानून से भरोसा उठ चुका, भरोसा उठ चुका है। एक आम आदमी, एक गरीब, उसके बिना पर इस कोर्ट के दरवाजे पर आएगा, न्याय मिलेगा या नहीं ये सोचकर वो डरता है, घबराता है अंदर ही अंदर। आप पूछ सकते हैं जनता से, हमारे बनाए हुए इस कानून के अंदर अगर किसी गरीब को न्याय मिल सकता है तो वो सिर्फ कोर्ट है। जब इस कोर्ट ने ही न्याय देना बंद कर दिया तो फिर मैंने हथियार उठा लिया। मिस्टर वेलू, बिना ठोस सबूत के तुम कोर्ट के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते। कैसा सबूत, क्या बोल रहे हैं आप? कितने दिनों तक एक संतरी बनकर आपके पीछे खड़ा रहा, कितने केस, कितने क्रिमिनल्स, कितने फैसले। एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुजरिमों का हाथ भगवत गीता पे रखवा कर आप कसम खिलवाते, मैं जो कुछ भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूंगा। एक मुजरिम ये कसम खाता है तो फिर जज, वकील, कोर्ट में बैठे बाकी सदस्य ये कसम क्यों नहीं खाते, ये कैसा न्याय है? एक बेईमान पुलिस वाला और एक बेईमान वकील, इन सब की वजह से ये सब हो रहा है ये मैं कभी नहीं मानूंगा। एक अच्छा वकील होता है, एक अच्छा पुलिस वाला होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन इस भीड़ में हम ऐसे अच्छे लोगों को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे, यही सोच सोच कर मेरा खून खौलता है। बसंती का रेप केस इसी कोर्ट में आया था आपसे न्याय मांगने के लिए। त्रिशैल में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसने अपने बचाव के लिए इसी कानून का इस्तेमाल किया, बताओ कैसे? ये जो आपके सामने बैठा हुआ वकील है ना, अपनी वकीली छोड़कर बिजनेसमैन बन गया, इसने उस बिजनेसमैन का केस पैसों के लिए लिया और उस अपराधी को निर्दोष साबित कर दिया। उसके बाद वो बेचारी लड़की उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सके और उसने आत्महत्या कर ली। उस लड़की का केस झूठा था, बताइए मुझे उस वक्त कहा गया था आपका कानून? अब आप ही बताइए, आगे कोई लड़की इस कोर्ट में आकर इस भरी भीड़ के सामने बोल सकेगी कि मेरा रेप हुआ, बलात्कार हुआ था उस लड़की पर और आपने फैसला सुनाया था? पैसों के लिए उसने झूठ बोला, गरीबों के लिए इस कानून में कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं और हो भी नहीं सकती। मिस्टर वेलू, मुझे माफ कर दीजिए जज साहब, माफ कर दीजिए, साक्षी की गवाही पर ही आप फैसला सुनाते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं, साक्षी चाहिए, सबूत चाहिए, गवाह चाहिए, लेकिन आपको सच्चाई नहीं चाहिए, मन की साक्षी नहीं चाहिए,
और इस महत्वपूर्ण मन की साक्षी के लिए आपने क्या किया? मन्नाडी नारायण, एक क्रिमिनल, एक नंबर का गुंडा पूरी दुनिया जानती है। यही पर सामने खड़े होकर विनती करते हुए एक औरत आपसे न्याय मांग रही थी, एक 65 साल की बूढ़ी औरत इस कटहरे में खड़े रहकर। अब आप मुझे एक बात बताइए जज साहब, एक 65 साल की बूढ़ी औरत जो गरीब है, जो बेसहारा है, एक झूठा केस किसी के ऊपर डाल सकती है? आप ही बताइए। आपको गवाह और सबूत नहीं मिले इसलिए आपने उस केस को खारिज कर दिया। वो बूढ़ी 65 साल की औरत इस कोर्ट में किस लिए आई थी? न्याय के लिए आई थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसकी सच्चाई इनकारों ने सुनी है। जब मुझे सुनाई दिया तो आपको क्यों नहीं सुनाई दिया? कानून भगवान होता है, ऐसा मैंने सुना है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि न्याय के दो पहलू हो सकते हैं, लेकिन अदालत में सच का सिर्फ एक ही पहलू होता है, एक ही पहलू। क्या सोच रहे आप? कल तक आपके पीछे एक संतरी बनकर खड़ा रहने वाला आज इतनी बड़ी बातें कैसे कर रहा है? दरअसल मैं एक लॉ का स्टूडेंट था और मैं लॉ जानता हूं। पीपी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में यहां पर सब बातें करते हैं, लेकिन इन रूल्स और रेगुलेशंस को घोल के पीने वाला और इसकी परंपरा को बहुत ही अच्छे से जानने वाला मेरा जज साहब, मेरी आपसे एक विनती है। मैं यहां पर किसी को बुलाना चाहता हूं, आपकी परमिशन चाहिए। यस, परमिशन ग्रांटेड। द ग्रेटेस्ट मैन, तिरुनल वेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां के जज, उत्तर रत्न शक्तिवेर। अपने मन को साक्षी मानकर फैसला सुनाने वाले एक बहुत ही नेक जज और मेरे पिता। खत्म कर दिया उन लोगों ने, मेरी मां और मेरी बहन को खत्म कर दिया। एक बहुत ही नेक इंसान थे मेरे पिताजी, और आज देखिए ऐसे नेक और अच्छे इंसान की क्या हालत कर दिया उन लोगों ने। ये जो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है ना, जो इनके साथ हुआ वो आपके साथ, इस समाज के साथ, सबके साथ हो सकता है। क्या हो गया आप लोगों को? आप मंदिर ये सोचकर जाते कि भगवान आपको बचा लेगा, और यही सोचकर आप इस कोर्ट में आते कि कोर्ट आपको न्याय देगा, लेकिन कहा है न्याय? मेरा खून खौला, मैंने हथियार उठा लिया। कल इन लोगों में से कोई हथियार उठा लेगा। अगर आप चाहते कि ऐसा ना हो तो सही कदम उठाइए, बचाइए हमें, बचाइए हम सबको। बेबुनियाद झूठे गवाहों को सामने रखकर अपना फैसला मत सुनाइए, प्लीज प्लीज इस सिस्टम को बदल दीजिए। इस अदालत में जो दो केस चल रहे थे, उस केस को लेकर मैंने जो गलत फैसला सुनाया, उसके लिए मुझे बड़ा अफसोस और दुख हो रहा है। मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूं, इसके बावजूद भी मैं अपने मन के साक्षी का सम्मान ले रहा हूं। आज तक मैं यही सोच रहा था, आज तक मैं जो भी फैसला करता था वो सही था, और आज वेलू ने मुझे एहसास कराया कि मैं गलत हूं, इसीलिए अब मैं ये पद छोड़ता हूं। योर ऑनर, ये आप क्या बात कर रहे हैं? गलती मैंने की है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। कानून की नजरों में सब समान है, और आज कानून की नजरों में मैं भी गुनाहगार, और आज का मेरा फैसला मेरा आखिरी फैसला होगा, और आज का फैसला मैं अपने मन को साक्षी मानकर दे रहा हूं, इसलिए मैं कानून का भी सम्मान कर रहा हूं। मंत्री अय्यन्ना अरप्पन को वेलू ने मारने की कोशिश की, और वेलू इस बात को स्वीकार कर रहा है, और इससे पहले इसने 5 खून किए वो भी ये कबूल कर रहा है। इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, वेलू ने जो कुछ भी किया है वो सही है या गलत, जो किया जनता के लिए किया है या मन के साक्षी को मानकर, लेकिन ये गलत है, और अदालत ये बात वेलू को बताना चाहती है। लेकिन इसकी उम्र और जनता के प्रति इसके प्यार को देखते हुए फिर भी इसने कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। वेलू, अदालत को तुम्हारे लिए सहानुभूति है, लेकिन और एक बात, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, इसलिए तुम्हें 5 साल की सजा मुकर्रर करती है।
लोगों की रक्षा करने वाले मन साक्षी को हथकड़ी पहनाना अच्छी बात नहीं है। ऑल द बेस्ट। 5 साल की सजा काटने के बाद मैं तुम्हें इसी कोर्ट में लॉयर के रूप में देखना चाहता हूं। जाइए सेना। यस सर। कांग्रेचुलेशन, योर जॉब इज वेल डन। थैंक यू सर। पिताजी, मैंने सही किया ना? आप जज हैं तो आप ही मेरा फैसला कीजिए। आपका फैसला मुझे मंजूर है। थैंक यू पिताजी, मैं आपका सपना पूरा करूंगा। अरे क्या काम कर रहे हो? काम ठीक से करो। तू क्या खड़ा है रे? मारू के डंडे से। काम कर, काम कर, चल। ए, वो बकेट के घर लेकर जाएगा? हाँ चल, पागल है क्या? वेलू, इस पेपर को पढ़ा क्या? तुम्हारे चाल चलन और अच्छे व्यवहार को देखते हुए तुम्हें रिहा कर दिया गया है।